तव्हां ॾिसो पिया पी टी वी नेशनल हफ़्तेवार प्रोग्राम पाकिस्तान टाइम सां गॾु मां आहियां तव्हांजी होस्ट नताशा चन्ना समूरनि नाज़िन खे भली कार चवां थी उमेदु कयां थी तव्हां घर भातियुनि समेत ठीकु ठाकु हशाश प्रशाश ऐं ख़ैरु आफ़ित सां दुआ आहे सदाईं ईअं ई महकंदा रहो

पाकिस्तान में हिन वक़्तु जेको असां हर प्रोग्राम में कोशिशि करे इंक्लूड कंदा आहियूं त जेके बोर्ड जा मुतासिर आहिनि उन्हनि उहे काफ़ी परेशान आहिनि ऐं उन्हनि जी कीअं मदद करणु खपे त अॼु बि असां उहा ई ॻाल्हि कंदासीं सभिनी जी मदद कयो जेके परेशानियूं उन्हनि खे फेस थी रही आहे उनमें पंहिंजी कैपेसिटी में रही करे फाइनेंशली कयो था या इमोशनली कयो था कंहिं बि तव्हां कैपेसिटी में रही हुननि जी मदद कयो ऐं वक़्तु त इहो ईंदो वेंदो आहे गुज़री वेंदो पंहिंजा सभु मामिलात बि हलंदा रहंदा आहिनि पर मुश्किलु वक़्त में कंहिंजी मदद करे ई असां इनशा हिन मुश्किलु वक़्त मां वापसि निकिरी सघूं था हाणे हलूं था नाज़रीन टॉपिक जे तरफ़ु अॼु जो असांजो जेको टॉपिक आहे उहो आहे वज़न जेको आहे उहो सिहतमंद तरीक़े सां कीअं घटि करणु खपे असीं नंढपण खां ॿुधंदा था अचूं त तंदुरुस्ती अज़ार नहमत आहे हेल्थ इज़ वेल्थ त नॉर्मली अगरि इंसानु सिहतमंदु हूंदो त उहो ज़िंदगीअ जे तमामु नहमतुनि खां मुस्तफ़िद थी सघे थो ऐं तिबी माइरनि जो जीअं चवणु आहे त चुस्तु ऐं चाकू चौबद रहण लाइ खाक खुराक खाद खुराक ऐं वर्ज़िश सां गॾु पंहिंजे तव्हां चोवीहनि कलाकनि जे ॾींहं खे हिकु मुनज़िमु अंदाज़ में तरतीब ॾियणु बेहद ज़रूरी आहे पर उमूमी तौर ते अॼुकल्ह डोड़ ॾुक आहे हुन में मां त तमामु घटि माण्हू अहिड़ा हूंदा आहिनि जेके पंहिंजे लाइ वक़्तु कढी सघंदा आहिनि ख़ासि तौर ते असांजी जेके भेनरूं आहिनि उहे मुंहिंजी इन ॻाल्हि खां ज़रूरु मुतफ़िक़ हूंदियूं त असीं पंहिंजो ॾींहुं जेको आहे उहो तालीम आहे रोज़गारु आहे नौकरियूं आहिनि ॿारनि बचनि जी सार संभाल आहे ऐं घरनि जूं सफ़ाइयूं सुथिरायूं महिमाननि जी आदर भाव ऐं इन्हनि कमनि में ईअं असां मसरूफ़ हूंदा आहियूं जो पंहिंजे लाइ वक़्ति जेको वक़्तु कढणु उहो इलाही क़िस्मती तौरु ई थी सघंदो आहे ऐं ख़ासि तौर ते ॿारनि खां पोइ जेको आहे अक्सर असां पंहिंजी भेनरुनि खे ॾिठो आहे त इन ई ॻाल्हि जी शिकायत कंदे नज़र ईंदियूं आहिनि त वज़न कंट्रोल में नथो अचे इन अहम ऐं इन ताईं बेहद संजीदा मौज़ूअ ते ॻाल्हाइण लाइ असीं हिक महिमान शख़्सियत खे बि जेका आहे उहा दावत अर्ज़ु रखी आहे संदन कचहिरी बि कॿी उन्हनि जे आॾो तव्हांजा जेके मोकिलियल सुवाल हूंदा उहे बि रखंदासीं पर इन खां पहिरीं असां पंहिंजी हरूटा साथी होश जे तरफ़ ख़ैबर पख़्तुनि खां जी د یار حسین پکاتو کمیګينا د زمزم اوب پسکو کمیګينا په قسمتونو چې سوق جوړيږي بیووکفته قسمتونو په جړه سميګينا ګرانو کډرمونو پاکستان ټایم کې 87 کوربه فرزان افریدی یو زلبیا حاضر ده هلال رويچ تاسو ورګ جوړ او خوشاله او پاکستان ټائم پروگرام چيده هر ایتوار د 2:00 بجې څخه په درانه خدمت کې مونږ حاضرو کدرمنو لکه څنګه چې پاکستان ټائم دی او د سلورې سبوه نوماندګي مونږ کوو سلورې سبوه مونږ خپل خپل هوش چې د پدی پروگرام کې ناستو د تاسو د خوخي پروگرام د تاسو فیدبیک زموږ ت ډیر ضروری دی ټولو نه اول بجې زم د نمبر او خاطه تاسو ته به نمبر خامسته پروگرام د تاسو غډون چيده پدی پروگرام کې ډیر زیات ضروری دی د پروگرام تاسو پروگرام د تاسو د خوخي پروگرام د تاسو سوالات سوالونه تاسو مونږ نه تاسو کولې شو کدرمنو زب نمبر تاسو ته ويم د ټي بسکرین باندې به هم تاسو نمبر है कदरमन नंबर द डबल नाइन टू थ्री वन जीरो नाइन एट یوزر بیا بز نمبر ریپیټ کوم 99231098 دا زموږ در اړتیا نمبر دی زموږ سر پسٹوډیو کې ډیر هميشه خخ خ کلی کلی ملمانه ناش پیدا غونه تقصونه کو او څنګه چې حالات روان وي په پاکستان کې هم اغه مناسبت نمونګه ملمره غوښته وي او تاسو دا زموږه پروگرام چې د اغه ډیر زیات خو خه ما ته دا هم پته ده چې کی پی کی چې د پاکستان ټایم پروگرام ډیر زیات خو خل کیږي او ډیر زیات خلګوري او ډیر په مینور سره ګوري کدرمنو ډیر ډیر مننه چې تاسو پروگرام خوخه وي کدرمنو نن چې کوم ټاپک ته اغه یو ډیر سیریوس ټاپک دا هغه په هک کلمه تاسو ته تا وایم چې خپل وزن چې د پریګنانسي نه پاتې ده تاسو څنګه کمولای شي کدرمنو پروګرام په مخکیم ووډو دا ټیم چې تاسو ته تا پته ده چې د دوو غنټو پروګرام ده نو زوبدا سوي پنځه بړختي जी बिस्मिलहमान रहीम नाजरीन असलकुम पाकिस्तान लैके पाकिस्तान टाइम लैके खदम चो थी तो अपनी मेज़बान अफशा साहब थोड़े खदमा चो थो हाज़िर ही है उम्मीद कहने तो तीस ठीक ठाक होवोगे और मज़े बहुत मज़े चु होवोगे जिस तरह तुम जानते हो कराची स्टूडियो तो यह प्रोग्राम बराह रास पेशा और टाइम थोड़ा पता है दो बजे तो लैके चार बजे तक अच्छी थोड़े न होने और कोई ना कोई टॉपिक और कोई ना कोई खूबसूरत गैस नौजूद होंगे ने उन्होंने असं बड़ी कहते खूबसूरत गुफ्तु भी करने गुफ्तु भी करने ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਟਾਪਿਕ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਪਿਕ ਅਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਹਾਜ਼ਰਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਨੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਹੇ-ਬਗਾਹੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਆਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਵੀ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣੀ ਆ 99231098 ਸਾਡੇ ਰਾਪਤੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ ਔਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਓ ਕਿਨ ਜਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈਗੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਔਰ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਨੇਮਤਾਂ عطا ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਸ ਔਕਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇਮਤਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਨੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਨੇ ਆ ਤੇ ਤਦ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹ ਕਿਹ ਨਿਹਮਤਾ ਸੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਛੁਟਲਾ ਰਹੇ ਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਦਾ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਥਿੰਕਸ ਦੇ ਅਗਰ ਦੀ ਤਰਫ ਦੇਖੀ ਤੇ ਤਦ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇਮਤਾਈਆਂ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇਮਤਾਂ ਦਾ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹੀ ਨੇਮਤਾਂ ਦਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਿਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਦੌਲਤ ਅਗਰ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਹਤ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਪਤਲ ਆਈਏ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਬਰੀਕ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰਰਾ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਤਕਲੀਫ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਨਿਮਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ادا ਕਰਦੇ ਤੋਂ ਐਸੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਟਾਪਿਕ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਵਜ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਟਕੇ ਤਾਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ مزید ਬਿਮਾਰ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣੇ ਕਿ ਹਾਮਲਾ ਖਵaties ਇਹ ਗਿਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਗਨancies ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ weight ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣਾ weight ਜਿਹੜਾ ਕੱਟ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਲੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਲਾਈਫ ਉਹ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਾਵੇਂ ਸਿਹਤ ਹੋਵੇ ਪਾਵੇਂ ਦੂਜਰੇ ਮਰਾਹੇ ਲੋਨ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ weight ਕੱਟਣਾ ਔਰ ਐਸੀ ਮੁਰਾਜ਼ਮਨਾਸਾਂ شخصیت ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਹੁਣ ਚੱਲਿਆਂ ਆ थैंक यू सो वेरी मच अम गु का वेलकम टू पाकिस्तान टाइम्स मैनु हदील साहल अल बलोची तहा. उम्मीद है कि शुभ वशो जोड़ो और हमेशा मैं प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे रिया गुशिंग के थैंक यू सो वेरी मच फॉर ऑल द फीडबैक्स इन वॉचिंग द शो शुमा प्रोग्रामा केसते हैं चारे अमरा दिल बड्डी दे अम्मा मैसेजना आई आया चाहा पता अमा वो बास कोशिश करना कि प्रोग्राम मजीद केस चो बेहतर शा बेहतर जोड़ को करना मर्ची के आते टॉपिक बाबत अगर प्रतरान करना टॉपिक इंटरनेशनल एक इशू है हर खवीन हर मर्द ने ना ये प्रॉब्लम ज़्यादातर खवानी जालबुलना कि चोँ अमा वो वजन है कम पे करा वजन कम करने के बज तरीक़ा भले ये शही था कैसे के रवि लूटी बार बार मेहनत करने कर लूटी थे अम्मा मेहनत करने का कर तैयार नहीं हो भले अम्मा ना शिकायत हस्त कि के वजन हैं कम न बीह गए मनी जिंदा रहा प्रॉब्लम हस्ते मां हर वक्त जो टेंशन के छे वड़ा के हाउ टू रिड्यूस द बैली वेट हमें वर के आस्ते हैं बाज़ी खवतानोल के जब आप प्रेगनेंट भी हैं प्रेगनेंट पद के प्रेगनेंसी है पद के आस्ते आ वेट गेन कर और के हैं बाज़ी खवतान के आ नज़ान के छः वड़ा के आस्ते हैं आवती वेटा के आस्ते हैं रिड्यूज़ पर हम के शुभ में गायने कॉलेज हैं शुमे डॉक्टर हैं हमेशा मर्दों के आस्ते हैं कम डिस्कस पे करें एक डायट प्लान बुजुर्ग और आई पद के आस्ते इट इज़ पॉसिबल टू तो द वेट आफ्टर प्रेगनेंसी सो हमारे मेहमान है निम्गा मर्ची के आस्ते हैं मेगोन कॉस्मेटोलॉजिस्ट है गोने और इसी अलावा के हैं मैंटल हेल्थ एक्सपर्ट है मना सक प्रेजेंटेबल लगी आर हम प्रेजेंटेबल लगी सो लेट्स वेलकम हर डॉक्टर मुबशरा टू ऑल पाकिस्तान बिल्कुल और आप लोग सबकी लैंग्वेज मुझे समझ में आती है तो इट्स इट्स अ प्लेजर टू बी हेयर वन मोर टाइम और जिस तरीके से आप लोग प्रेजेंटेशन करते हैं इट्स अमेजिंग स्पेशली कोई भी टॉपिक को लेके बहुत ज़्यादा एलेबरेट किया जाता है यानी बहुत ज़्यादा तफसील से बताया जाता है क्योंकि वेट लॉस एक ऐसी चीज़ है जिसमें मेंटल हेल्थ भी शामिल है बट स्पेशली uh, आज जो हम बात करने वाले हैं जिस जिस तरीके से आपने टॉपिक बताया वेट लॉस का ये प्रेग्नेंट वीमेन का बहुत बड़ा मसला है कि जब ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी किस तरीके से वेट गेन हो जाता है जब आफ़्टर द प्रेगनेंसी उसको किस तरीके से कंट्रोल किया जाता है और क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने चाहिए जो बच्चा प्री मेच्योर ना हो यानि वक्त से पहले ना आए क्योंकि उस वक्त कॉम्प्लिकेशनस भी होती हैं और ड्यूरिंग दिस प्रेगनेंसी आपको अपना ख्याल ज़्यादा रखना है क्योंकि ये ये नहीं कहा जा सकता कि आपके साथ दो हैं बट एज़ योर हेल्थ एंड मेंटल मैंटल क्योंकि प्री और पोस्ट नेटल डिसऑर्डर्स बहुत होते हैं यानी डिप्रेशन so, yeah. और एंगजाइटी का शिकार लेट्स बिगिन द टॉपिक जी मैं डॉक्टर साहब आपको हमारी लैंग्वेज समझ भी आती हैं और <laughs> आप माशाल्लाह हम आपके साथ हमारा ये चौथा प्रोग्राम है माशाल्लाह आप खुश अखलाक भी हैं खुश शक्ल भी हैं तो वो कहते हैं ना कि आधा मर्ज तो है वैसे ही मरीज का <laughs> जो है ना वो ख़त्म हो जाता है माशाल्लाह आपकी गुफ्तगू से तो अच्छा वजन की जहाँ तक हम बात करते हैं जो हामला खुतन है उनके लिए भी वज़न बड़ा इशू होता है तो डॉक्टर्स कहते हैं कि अपने वेट रिड्यूस करें और ताकि आपके बच्चा और आप हेल्दी, हेल्दी, हेल्दी मतलब लाइफ जी तो फिर जो नॉर्मल लाइफ में अगर हम देखते हैं तो हम आ, हमारा भी वजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है हम जैसे कि जंक फूड यंग लड़कियाँ बहुत ज़्यादा खाती हैं लड़के भी आजकल क्योंकि अब तो ये ट्रेंड चल गया है ना कि घर में खाना बनना ही नहीं है नहीं। तो अक्सर ही ऐसा होता है कि वीक में दो तीन दफ़ा तो बाहर का खाना खाया जाता है तो उससे असरात ये मुरतब होते हैं कि मतलब मोटापे की तरफ चले जाते हैं चाहे वो लड़कियाँ हों चाहे वो लड़के हों तो इस हवाले से अवेयरनेस दीजिएगा हमारे देखने सुनने वालों को कि इसको ये किस कदर ख़तरनाक है ये जंक फूड या ड्रिंक्स जो आपको मोटापे की तरफ़ लेकर जाती हैं और फिर जो है ना वो टैबलेट खा रहे होते हैं दुबला होने के लिए उस हवाले से से आई वुड कि सबसे अच्छी चीज़ ये होगी कि पानी दस से बारह ग्लास पीना है ये सबको पता है बट पीता कोई भी नहीं है क्योंकि प्रॉब्लम्स होगी अगर वर्किंग लेडीज़ हैं तो वॉशरूम का जाने का प्रॉब्लम होता है सेकेंड चीज़ जो भी हम खाना खाते हैं बाहर का नंबर वन आपका इरीटेटेड बाउल सिंड्रोम यानी आई बी एस का इशू यानी आपने जो भी खाना खाया लेट नाइट खाया तेज़ तरार मसालों वाला खाया तो आपका पेट खराब ठीक है अच्छा ये लेट नाइट खाने का भी, भी बड़ा इशू है बहुत ज़्यादा इशू है और अक्सर जब मैं अपना प्रोफाइल मतलब ख़्वीन का हेल्थ हिस्ट्री लेती हूँ तो ये कहा जाता है कि जो मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट है वो ग्यारह बजे होता है और जो लंच है वो चार बजे होता है जो डिनर है रात के ग्यारह बजे होता है तो ये एक तो टाइमिंग आप प्रॉपर वे जो हम ऑब्वियसली जो मेसर है कि प्रॉपर टाइमिंग होना चाहिए नौ बजे और बारह बजे और सात बजे सात बजे के बाद जो भी आप इनटेक करता है वो बी में तब्दील होता है एक तो आपका पेट खराब होना ये नंबर वन मोटापे की जड़ ठीक है आईबीएस का इशू सेकंड चीज़ हम लैक ऑफ एक्सरसाइज करते हैं हाँ अगर आप घर का कोई भी काम करते हैं ऐसे भी खवतानी होती हैं जो कहती हैं मैं घर का सब पोचा लगाती हूँ झाड़ू लगाती हूँ खाना पकाती हूँ चार बच्चों को देखती हूँ फिर भी मेरा वजन बहुत ज़्यादा है होता यह है कि ईच प्रेगनेंसीज के बाद अक्सर ये कहा जाता है कि देसी आपको खाना देसी घी का इस्तेमाल ज़्यादा करो एक वो ड्राई फ्रूट टाइप की पंजेरी टाइप की जो बनाई जाती है घरों में वो दी जाती है कि हड्डियाँ मज़बूत होती हैं उससे हाई अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल बिल्टअप होता है नंबर थ्री हम दूध पीने के बिल्कुल चोर हो जाते हैं क्योंकि प्रेग्नेंट जो ख़ोतन होती हैं उनको अजीब सी हकाई आती है वॉमिटिंग टाइप के नोज़िया टाइप का होता है तो वो नहीं पी जाती दूध चीज़ और योगर्ट तीन चीज़ का इस्तेमाल करें अगर आप प्रेग्नेंट हैं अगर आपका वज़न 60 टू 70 किलोग्राम हैं तो आपने ज़रूरी नहीं है कि सब खाना है आपने जो आपकी नॉर्मल डाइट है वो रखें बट ये ज़रा थोड़ा सा कंसिडर करें कि हर डाइट में वेजिटेबल्स यानी सब्जियां फ़्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें दूध पिए दही वेट लॉस के एक अच्छी सी आपको रेसिपी बता देती हूँ जैसे हमारे घर में तुरई आप सीजनल है तुरई को उबाल लें और जैसे हम कड़ी बनाते हैं इस तरीके से दही की आप कड़ी बना लें तुरई को उबाल के उसमें डाल दें यानी योगर्ट के अंदर और वो तकरीबन आप आधा पाव अगर ये तुरई का जो रा, रायता होता है उबली हुई मिर्च मसाला डाल लें जो हम लोग तड़का वगैरह लगाते हैं इससे आपका महीने में हम जो क्लिनिकल ओ क्लिनिक है मेरी तो उसमें हम तकरीबन फाइव टू तो सेवन किलोग्राम ड्रॉप करवाते हैं सिर्फ़ और सिर्फ ये तुरई से यानी आपने खाना नहीं बंद करना आपने खाना खाना है बट उसके साथ यानी लंच और डिनर पे आपने रायता नुमा ये पूरा बॉल भर के लेना है उससे होता ये कि आपको भूख नहीं लगती इवन रमज़ान में हम अक्सर ये कहते हैं कि दही का इस्तेमाल ज़्यादा करें जादा क्योंकि आपकी भूख ख़त्म हो जाती है तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट uh, है सेकेंड uh, चीज़ चावल चावल को मैं बिल्कुल नहीं मना करती मैं ये कहती हूँ उबले हुए चावल हैं ठीक है उसका पानी निकाल लें उबले हुए चावल आप इस्तेमाल करें वाइल बॉयलिंग ज़ीरा डाल दें क्यूमिन सीड्स क्यूमिन सीड्स वेट लॉस में बहुत मुफीद होती है अगर आप प्रेग्नेंट भी हैं तो उसमें आपने वाइटमिन यानी आफ्टर लाइक फोर मंथ्स ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी आपने अगर मिलसमां नहीं चाहिए यानी झाइयाँ नहीं चाहिए तो प्लीज़ 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 प्लीज, वाइटामिन e, <laughs> फोलिक एसिड और आयरन ये मल्टी वाइटमिन मटर्ना केयर से ज़रूर लें आपकी स्किन ग्लो करेगी झाइया बिल्कुल नहीं होगी चाहे अच्छा। आपका एक बेबी है उसके बाद दूसरा बेबी है थ्री बेबी सॉरी मैं आपकी बात कथा कलामी के लिए माजर चाहती हूँ अक्सर डॉक्टर जो है ना वो प्रेग्नेंट औरतों को कहते हैं कि आप एक्सरसाइज करें और हमारे तो यहाँ पे फीमेल्स जो हैं वो घबरा जाती हैं क्योंकि प्रेगनेंसी में मिसक्रेज हो जाते हैं बच्चे तो आया आप बताएं व्यूवर्स को कि उनको किस किस्म की एक्सरसाइज है वो करनी चाहिए जिससे उनका बेबी भी सेफ रहे और उनकी सेहत भी वुड से कि देखें अगर आपका एच पी यानी होमोग्लोबल लेवल जब ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी जब मीन्स टेस्ट वगैरह होते हैं अल्ट्रासाउंड होते हैं तो पता लग जाता है कि मदर कितनी हेल्दी है ठीक है mm. ड्यूरिंग uh, अगर आप कोई खाना पका रही हैं एक्सरसाइज वो भी एक फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज है बट वॉक जरूरी है फिजिकल एक्सरसाइज में आप योगा की एक्सरसाइज कर सकते कितने हैं कितने आप फोर टू फाइव मंथ्स में स्टार्ट कर दें कोई चीज लिमिट नहीं करें कि अगर आपका बेबी है तो मींस थोड़ा सा मैं खांस दूंगी जी तो जी। इशूज शुरू हो जाते हैं जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं वो वॉक पे नहीं जाती वॉक नहीं करती नहीं। इसी वजह से कि मतलब बेबी तो उनको बता दे कि क्या ड्यूरेशन क्या होनी चाहिए किस मंथ से किस मंथ तक वो वॉक करे करे। करें किस मंथ में देखिए फोर मंथ्स का बहुत अच्छा क्वेश्चन है फोर मंथ से ऑनवर्ड आप स्टार्ट करें वेट ट्रेनिंग भी कर सकते हैं वन किलो के डम्बल स्टार्ट कर लें होता यह कि बच्चे बच्चे की जो हड्डियाँ हैं वो मजबूत होती है क्योंकि वाइटमिन डी की ज़रूरी है ज़रूरत है तो अगर आप एक्सरसाइज करती हैं दूध पीती हैं चीज़ योगर्ट हर चीज़ कर रही हैं वो भी आपको विटामिन डी इतना प्रमोट नहीं करता जितना एक्सरसाइज के थ्रू अगर आप प्रेग्नेंट डजेंट मैटर आप वेट वेट बैठे बैठे कर सकते हैं आप अपनी चेस्ट की एक्सरसाइज कर सकते हैं उससे ये होता है जो लैक्टेशन जो पीरियड शुरू होता है यानी दूध का ठीक है मदर्स के लिए तो उस वक्त प्रॉब्लम नहीं होती ख़ुत एक सर्टन एक्सरसाइजेज़ करने के बाद यहाँ पर मुझे फिर हदीला आप सवाल कीजिएगा अब जैसे ये वाली बात निकल रही तो मैं अपना भी एक सवाल करना चाहती हूँ कि लाइक मेरी भाभी है तो लाइक वो ज़ाहिर उनको प्रेगनेंसी में दौरान वो वॉक चॉक नहीं कर रही तो उनको मतलब मैंने कहा कि आप वॉक किया करें क्योंकि जब आप वॉक नहीं करेंगे तो आपका दायरा बैठी रहेंगे तो फिर आपका दिल नहीं करेगा तो फिर आप बीमार होती चली जाएंगी अच्छा जब वो गई है यहाँ से लंदन तो फिर उसके बाद उनका ना ब्लड प्रेशर जो था ना बहुत ज्यादा शूट कर चुका हुआ था फिर वहाँ पे जो डॉक्टर्स थे उन्होंने उनको मतलब एडमिट कर लिया एक हफ्ता तो इस हवाले से बताइएगा कि जो खातन वॉक नहीं करती जो कहते हैं सिर्फ अच्छी डाइट नहीं लेती और वो समझ रही होती कि हम वॉक करेंगे एक्सरसाइज करेंगे तो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसमें बताइएगा हाँ इशूज़ ये होता है कि ये बहुत अगेन बहुत इम्पोर्टेंट uh, क्वेश्चन है कि हाई ब्लड प्रेशर जी जी बच्चे का भी हार्ट रेट और मदर का भी नंबर टू हाइपोथाइरइड और डायबिटीज़ हो जाती है मदर्स को प्री कहते हैं वक्त से पहले बच्चे का डिलीवर होना तो ये बहुत सीवियर

उन मदर्स के लिए स्पेशली जो दो बच्चे होने के बाद बोलते हैं पीस ऑफ के, के हमें कुछ नहीं होगा वी आर एक्सपीरियंस नहीं यू आर नॉट इन एक्सपीरियंस बट कॉम्प्लिकेशन उस वक्त इसलिए अराइज होती है कि आपकी yes. उम्र 35 फाइव की हो जाती है, है इस जी 35 40 की होती है जब वो कंसीव करती हैं तो उस वक्त कॉम्प्लिकेशन बहुत स्टार्ट होती है वॉक करना भी बहुत इम्पोर्टेंट है ख्याल चीज़ें काफ़ी चीज़ों को ख्याल रखना भी ज़रूरी है एंड वॉक uh, के साथ uh, एक जो मिसकनसप्शन है बिकॉज माय थ्री सिस्टर्स आर डॉक्टर वो कहते हैं कि जी सिर्फ घर के काम करने से वेट hmm. रिड्यूस होता है कि लाइक यू नो पोंछा लगा रही हैं प्रेगनेंसी में दुनिया जहाँ के बर्तन धुल रहे हैं कपड़े धुल रहे हैं सिर्फ घर के काम करने से जो है यू नो यू कॉन्ट लूज द वेट और यू कॉन्ट अ हेल्दी बेबी सो इस मिसकसेप्शन को ख़त्म होना चाहिए वन मोर थिंग आई शुड ऐड कि लेस कम थोड़ा सा प्रेगनेंसी से हट के कि आजकल हम बहुत सारे टेक्निक्स देख रहे हैं लाइक कीटो डाइट है प्रोटीन डाइट है लेकिन इनको हम लॉन्ग टर्म नहीं ले सकते तो आई रियली वट टू आस बिकॉज दिस इज़ अ क्वेश्चन विच आई रोटेड के so, फेसबुक okay. में जितने भी हमारे हमें देखते हैं तो दे सेंड अ क्वेश्चन कि मैम इनको हम लॉन्ग टर्म तो नहीं कर सकते तो इनसे कितना इफेक्ट होता है एंड अगर कीटो डाइट या प्रोटीन डाइट को हम लॉन्ग टर्म करें तो इससे क्या नुकसान आता है देखिए प्रोटीन डाइट और हाई कहते हैं फाइबर डाइट ठीक है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कीटो डाइट सीजनल है हर चीज़ सीजनल है ठीक है फैशन जिस तरीके से बदलता है इस तरीके से फिटनेस में भी फ़ैशन बदलता है सिंपल uh, इज अगर आप एक्सेस अमाउंट ऑफ हाई प्रोटीन लेते हैं उससे आपके लिवर पे किडनीज़ पे अफेक्ट होता है बिकॉज एक्सट्रीटी सिस्टम जब आप खाना इनटेक करते हैं आपका अगर मैदा सही नहीं है तो वो किस तरीके से खाना प्रोसेस करता है प्रोटीन की वजह से आप बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेटेड भी होते हैं सो so, अगर बैलेंस रखें क्योंकि हम जिस ईस्ट एशिया में रहते हैं hmm. हम हम हर कोई चटोरा है ठीक है hmm. चटपटा चीज़ चाहिए जंक फूड चाहिए मिर्च मसाला चाहिए सो so, मे बिल्कुल सो मेक श्योर करें कि इवन अगर मैंने ये भी देखा है कुछ लोग बर्गर्स के अंदर भी अचार डालते हैं oh God. Yes, I've seen it, क्योंकि मैं physical data लेती हूं, तो पेशेंट्स कहते हैं कि नहीं ये अचार और पराठा ये ब्रेकफास्ट oh. है और उसके उसके साथ कोई भी कोल्ड ड्रिंक तो उससे गला भी खराब होता है न, ये चीज़ करा करें कि अगर आप कोई भी प्रेगनेंट औरत हैं या ना हैं आ, मर्द हजरात हैं तो मेक श्योर करें कि आप बैलेंस रखें ना बैलेंस क्या hmm. हफ्ते में तीन से चार दिन सब्जियाँ का होना मस्ट है ठीक hmm. है प्लस अगर आपको चटनीों का बहुत ज़्यादा शौक है तो हरा धनिया पुदीना उसमें अदरक और इमली डाल के बना लें hmm. आ, नंबर थ्री आ, लंच के तौर पे बिरयानी हमारे यहाँ hmm. बेस्ट होती है मींस बिरयानी के अलावा और कुछ नहीं कुछ हो सकता तो बिरयानी के साथ साथ आप उससे पहले रायता क्योंकि आप वर्किंग है नहीं अवेलेबल है रायता हर जगह अवेलेबल होता है hmm. या दही की दुकान में इतना आधा पाव या एक पाव आप दही ले लें hmm. और जब आई आई कोड गारंटी यू कि अगर आप बिरयानी भी लेते हैं तो आप अगर फुल वन प्लेट लेते हैं तो आपकी वो हाफ प्लेट हो जाएगी okay. तो वो आपका डाइट हो गया राइट right? चार बजे हर किसी को चाय की तलब होती है फाइन चाय के बजाय अगर आप आधा कप कॉफ़ी लें जो हमें नींद आ रही होती है वो आपको अवेक न पहुँच जाएगी और उससे वज़न लूज़ होता है कॉफ़ी से वज़न लूज़ होता है इवन अगर आप लंच लंच के बाद डिनर पे आते हैं तो फ्रूट सैलड और hmm. चिकन अगर आप ले सकते हैं नहीं अवेलेबलिटी है इवन अगर सिंपल पराठा भी लें तो इट डज़ेंट मैटर सिर्फ पराठा और कोई भी फ्रूट ले लें तो hmm. वो भी एक मतलब अगर ये मैं डाइट के हवाले से बात करूँ okay. ना अगर आपको प्रोटीन ही लेना मस्त है तो चिकन फिले है फ़िश का भी आप इस्तेमाल अभी विंटर है तो फ़िश अच्छी लगेगी काफ़ी ये भी मिसकंसेप्शन होता है कि फ़िश हमें सिर्फ विंटर में लेना चाहिए यानी ठंडे गर्म तो और गर्म और भी वो तासीर की कोई चक्कर नहीं है आप फ़िश पूरा साल ले सकते हैं ऐसे भी ममालिक जो सिर्फ खाते ही फ़िश हैं तो गर्म और ठंडे का नहीं होता उनके बाल उनकी स्किन परफेक्ट रहती बिल्कुल जी डॉक्टर डॉबा मेरा ये सवाल है कि जैसे प्रेगनेंसी के दौरान जो एक्सरसाइज होती है, वो तो हैं, वो तो आपने बताया कि फोर मंथ्स आप स्टार्ट कर सकते हैं लेकिन वो एक तो कुछ स्पेसिफिक होती है ना वही करनी होती है हम नॉर्मली जो वर्कआउट कर रहे होते हैं जाके वो तो नहीं कर सकते नहीं फर्स्ट ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इम्पॉटेंट है वो प्रेगनेंसी में भी हेल्प करता है ब्रीद इन इन्हील और एक्सहेल जो यूजली हम योगा की भी एक्सरसाइज कहा जाता है सेकेंड चीज़ ऐसा कोई मिथ नहीं है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते ओके okay? मैंने अगर आप विकीपीडिया पे भी जाएँ कोई भी जितनी सेलिब्रिटीज़ हैं वो सारा वेट ट्रेनिंग करते हैं ठीक है कि अगर आप एक्सरसाइज डम्बल से कर रहे हैं लाट डाउन एक्सटेंशन कर रहे हैं चेस्ट लगा रहे हैं अगर आप पिलाटिस कर रहे हैं तो एक सर्टन प्री और पोस्ट नेटल एक्सरसाइज उसी का नाम उसी का उसी को कहते हैं जो यूजली एबडेमिन की भी होती है यानी आपको सर्टन आपका अगर फर्स्ट बेबी है तो आपका 20 पाउंड से वजन ज़्यादा बढ़ना नहीं चाहिए जो एग्ज़िस्टिंग आपका वज़न है यहाँ पे ख़वात चालीस से पचास किलो बढ़ा के आती हैं ठीक है और उसके बाद जब आफ़्टर डिलीवरी होती है नॉर्मल बहुत कम चांसेस होते हैं सी सेक्शन होता है उसके बाद जो जल्द लटकती है उसको वापस करने के लिए बहुत इश्यूज़ होते हैं क्योंकि आपका वजन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होता है प्लस मल्टी जैसी बेबी होता है ये बंद कर देती हैं ठीक है थीके? अब ज़ाहरी बात है आप ब्रेस्ट फीडिंग भी करवा रही हैं और इतनी लैक्टेशन आपको hmm. नहीं मिल रही तो बच्चा मेल न्यूट्रिशन की तरफ चला जाता है ना hmm. तीसरी चीज़ अगर उसी वक्त आप फोर तो टू फाइव मंथ्स टिल टू ईयर्स तक अगर लें आप रनर बरें आफ्टर द बेबी hmm. सिर्फ सिर्फ आधे घंटा ज्यादा नहीं आधा आपके बात से ही मुझे बात याद आई कि आपने कहा था कि आफ्टर डिलीवरी जो है ना वो रनर रनिंग करनी चाहिए तो जिनका सीजर हुआ होता है अक्सर हम देखते हैं कि शहरी इलाकों में सीजर बहुत ज्यादा होते हैं बनस्पत गाँव के क्योंकि उन इलाकों में अगर हम जाते हैं तो नॉर्मल डिलीवरी पे ही डॉक्टर फोकस करते हैं और यहाँ पे जो है ना डॉक्टर हमेशा फॉर एकदम डिसीजन सीजर कर ले लेते हैं और मतलब हमें इतना घबरा देते हैं कि नहीं नहीं पेशेंट की तबीयत हमें सीरियस लग रही है तो फॉरन जो है ना सीजर किस हवाले से आप लोग डिसीजन लेते हैं और ब्लड प्रेशर किस हद तक बढ़ जाता है क्योंकि आप लोग सीजर करती हैं जिससे जो है ना पेशेंट की तो आधी जिंदगी मैं समझती हूँ वो हो तो वो आप बताएं कि इतना सीजर क्यों लेती हैं देखिए सी सेक्शन डिपेंड करता है uh, uh, कॉम्प्लिकेशन पर मैं इसके भी ख़िलाफ़ हूँ और एक्चुअली um, मुझे एक्सपीरियंस है बिकॉज आई हैड वन सी सेक्शन और पाकिस्तान uh, में नहीं बाहर मुल्क में हुआ है mm -hmm. तो इट वाज अ वर्स्ट एक्सपीरियंस आई वुड से वर्स्ट एक्सपीरियंस बट वो उस वक्त बाहर मुल्क में इसलिए ज़रूरी था uh, क्योंकि नाइन मंथ्स मैं क्रॉस कर चुकी थी जैसे बेबी फॉर्म अप नाइन मंथ्स में सो आई क्रॉस दैट और वो टेन मंथ में हुआ था तो so, वो उस वक्त कॉम्प्लिकेशंस हुई थी येस इट इज़ नेसेसरी बट पाकिस्तान में लैक ऑफ एक्सरसाइज लैक ऑफ नॉलेज नॉलेज नहीं होती लोगों को ठीक है अनफॉर्चुनेटली कहा जाता है जी सी सेक्शन करवा दें सी सेक्शन बट अगर आप एक्सरसाइज गोअर हैं चाहे कुछ हो जाए फ्रूट्स वेजिटेबल दूध और कैल्शियम्स का इंटेक ज़्यादा करती हैं आपका दिमाग मीन्स um, ताज़ा तरीन जवाब दें यू नो योर हेल्थ वेरी वेल दिस इज व्हाट आई मीन उसी वक्त आप ऑब्जेक्ट कर सकती हैं कि नो आई एम परफेक्टली फ़ाइन ग्लूकोमीटर मिलता है आज ऑक्सीमीटर mm. भी मिलता है वो आप ले लें ब्लड प्रेशर आप mm. ख़ुद आई वुड से मॉनिटर करें अल्ट्रासाउंड के लिए four months करें? में अल्ट्रासाउंड डीज करवाएँ वो आपको hmm. प्रोहिबिट करेगा अगर कोई डॉक्टर आपको मिसगाइड करता है कि नहीं जी आपने सी सेक्शन ही करना है बिल्कुल भी hmm. नहीं आपने hmm. कहा आपने खुद मॉनिटर करना है अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आपके पास है बेबी हेल्दी है जितना आप बेबी yeah. का वजन होना है hmm. जितना डायलेशन करीब होती है वो उस वक्त हो गई दैट्स इट

रिफ्रेशमेंट uh, भी थोड़ी सी जरूरत है ज़रूरी है एंटरटेनमेंट भी थोड़ी ज़रूरी है अख्तर अख्तरचिन एक बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान के फोक सिंगर बलूचिस्तान से उनका ताल्लुक है लास्ट ईयर दुबई एक्सपो में पार्टिसपेट किया और अभी मुख्तलिफेंट्स में धर आधर पार्टिसपेट कर रहे हैं <laughs> और वन uh, थिंग कि मैं ज़रूर कहूँगी कि ही इज़ माई मिनटोड मतलब ही ऑलवेज़ यूज़ टू गाइड मी एंड आई ऑलवेज यूज़ टू लिसन हेम आई आवाज़ ए कोशिश होते आर घोश बेदारे और आई पथ के आस्ते शुमद दोबारा हाज़िर ब और टॉपिक का कंटिन्यू कर

बैक बाज वश सोतिया अम्मा से न एंजॉय को प्रोग्राम में नाम जी जी दिल दिलकश गया कि बस कंटिन्यूसली मूव पिक ना और के हस्ते यक इंटरनेशनल रिकगनाइज आर्टिस्ट है और अम्मा हमेशा वो प्रोग्राम में घुसा और हर जगह में ये चीज़ एम्फेसाइज़ करनी कि प्लीज़ वो तीन आर्टिस्ट हर चीज़ का ज़्यादा रिस्पेक्ट दात कुने पिकने और पीटीवी के हस्ते ये चीज़ें सरा शुर से न ज़्यादा टॉप पाए बिकॉज पीटीवी ऑलवेज रिस्पेक्ट देयर आर्टिस्ट जी निताशा जी डॉक्टर साहबा मैं ये पूछना चाहूँगी अब आप आपसे कि देखें एक तो जो फास्टिंग होती है एक और मिसकनसप्शन है जैसे पहले दिल ने बात की कि हम लोग समझते हैं कि खाना ना खा के शायद हम डाइट पे हैं और हम उसको फॉलो करते हैं वेट भी लूज़ हो जाएगा तो लेकिन कहीं कहीं मैंने सुना है कि शायद अगर आप ज़्यादा टाइम तक नहीं खाते हैं तो वो फिर और वेट गेन हो जाता है और स्वेलिंग हो जाती है बॉडी पे तो एक कुछ डिफरेंट होती है इंटरमीटेंट फास्टिंग होती है सिक्सटीन आवर्स की जो कि कहते हैं कि रात सात बजे से सुबह कुछ दोपहर तक नहीं खाना होता उसके बारे में बताएगा कि इसको किस तरह से फॉलो करना चाहिए ये सही है या कंटिन्यू इसको रखना चाहिए देखिए फॉर फॉर इंस्टेंस मैंने पहले भी कहा था कि हम जिस माशरे में रहते हैं हमारी सोसाइटी इस टाइप की है नहीं।, नहीं अगर हम अपने थ्री टू फोर जनरेशन यानी दो सौ तीन सौ साल की हिस्ट्री निकालें तो हमारी जो बिल्टअप है यानी हमारा जो मैथ है वो अफ्रीका साउथ ईस्ट अरब और हम राइट right? तो हम चाइनीज़ का फिगर नहीं हासिल कर सकते ठीक है नहीं हो सकता सेकेंड uh, अगर आपके जेनेटिक यानी मम्मी खाला आ, पापा के साइड पे सारे शॉर्ट हैं दुबले हैं येस यू कुड बिकम वेरी स्किनी इंटरमिटेंट फास्टिंग का मुझे इसलिए नहीं पसंद आता टू बी रियलिस्टिकली आप थ्री डेज़ कर लेंगे फोर डेज कर लेंगे उसके बाद फिर आपने इनटेक शुरू कर राइट right? अगर आपको कोई मेडिकल इश्यूज नहीं है जैसे कहते ना कि सारे नमकियात सारे शुगर्स बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अगर उसमें से एक नमक भी आपने कम कर दिया हाइपोथायरॉयडिज्म, शुगर एक्सेस हो गई डायबिटीज़ या कम हो गई हाइपो या हाइपर तो डायबिटीज़ की भी काफ़ी टाइप्स होती हैं कौन सी टाइप क्या जिन जेनेटिक आपका है वो फादर्स में आया है कि नहीं ऐसा भी होता है कि वन ट्री परफेक्टली फाइन सेकेंड ट्री यानी फैमिली ट्री में से किसी को हुआ होगा वो आपको हो गया सब ये कहते हैं भाई मैं तो एक्सरसाइज भी करती हूँ और डाइट भी अच्छी मुझे कैसे हो सकता है बिकॉज स्ट्रेस फैक्टर ठीक है आपने बहुत ज़्यादा एंगजाइटी बहुत ज़्यादा चीज़ें अपने आप पे ले ली स्ट्रेस ले लिया उसकी वजह से भी आपका शुगर हाई हो जाता है सही नहीं। तो जब हम कहते हैं कि फास्टिंग जो हमारे इस्लामिक वे पे फास्टिंग है दैट इज़ परफेक्ट क्योंकि आपने हर चीज़ का बैलेंस रखा है और हम इत्तेफाक से मॉर्निंग में यानी हम जब सहरी करते हैं तो बहुत हैवी होती है तो वो इसी वजह से लास्ट करता है इफ्तारी तक इफ्तार। यानी सारे न्यूट्रंस आपने शहरी के टाइम पे लेने इफ्तारी के टाइम पे आपने ओवर नहीं करना क्योंकि उसके बाद भी आपकी रिलीजियस एक्टिविटीज़ होती हैं सात बजे किया फिर आपने नौ बजे किया फिर दस और ग्यारह बजे इसलिए नहीं करते क्योंकि सबको तरावियाँ पढ़नी होती हैं okay. नमाजें होती हैं आई वुड से अगर आम, ऑल ओवर द वर्ल्ड एक तहकीक़त हुई है अकॉर्डिंग टू द मेडिकल साइंस ये प्रूवन हुआ है कि इन uh, ईयर हर किसी को चाहे वो uh, मुसलमान हो या ना हो वन मंथ फास्टिंग करना लाजमी है hmm. यानी आप अपने सिस्टम को रिवाइंड करते हैं डिटॉक्स करते हैं जो करते हम ये कहते हैं, कहते हैं कि डिटॉक्स हो गया फेस का डिटॉक्स हो गया आँखों का डिटॉक्स हो गया सर का डिटॉक्स हो गया तो यही चीज़ें आपने जो कुछ भी खाया है साल में एक वन uh, मंथ आप फास्टिंग करें आप अपने बाउल सिंड्रोम को क्लीन रखें सबसे बड़ा इशू होता है हमारा पेट का कॉन्स्टपेशन exactly का ठीक है पाइल्स कॉन्स्टिपेशन पानी नहीं पीते लैक ऑफ अगेन न्यूट्रिएंट्स नहीं होती वाइटामिन डी हमें क्या जरूरत है हम सन में ही रहते हैं ठीक है आप सन में रहते हैं आप एक्सरसाइज कर रहे हैं डॉक्टर अक्सर ये कह रहे होते हैं डॉक्टर मुबरशा अलगता कलामी माफ चाहूंगी कि अक्सर कहा जा रहा होता है कि पेशेंट जब जाते हैं डॉक्टर के पास तो कहते हैं हमने पानी का इस्तेमाल तो किया ही नहीं, नहीं। अच्छा आम, पंजाबी में आपसे कहूंगी माशाल्लाह मुझे पता चला आपको बड़ी अच्छी पंजाबी है <laughs> और आपका भी बहुत, बहुत अच्छा है।, <laughs> ते, ते मैं है कि चलो पंजाबी कर लेने तो पंजाबी, नहीं, 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 पंजाबी में जवाब <laughs> नहीं दे सकती समझ जाती हूं चलिए मैं पंजाबी और उर्दू में ही आपसे सवाल करूंगी कहते हैं कि अक्सर जो खवातीन है एक उर्दू में फिर पंजाबी में कि उनको इनिमिया भी हो जाता है जो मेरी दोस्त है उसका वेट बहुत बढ़ता जा रहा है ना हालांकि उसकी कोई डाइट इतनी नहीं है ना वो इतना ज़्यादा कुछ खाती है लेकिन लेकिन जो कहते ना कि फिर वो खून की कमी जो होती है ना डॉक्टर ने कहा कि वो खून की कमी की वजह से आपका वेट जो है वो बढ़ रहा है तो अब पंजाबी में भी सवाल कर लेते हैं है कि इनिमिया है बीमारी हैगी है जिसे कहते हैं कि खून की कमी जो खुतान वेट जहाँ वो बद हालांकि उन्होंने कोई डाइट भी नहीं होती कुछ खाते भी है ना नहीं तो देख के ऐसा लगता है कि जिस तरह बड़ा कुछ खा दिए या अपनी खुराक काट कर का लो तो इस हवाले से बताइएगा कि जो एनीमिया है वो किस हद तक आ, मतलब उसको कंट्रोल किया जा सकता है और क्या 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 डाइट लेनी चाहिए देखिए डाइट का तो मैं नहीं कहूँगी इसमें कोई डाइट होनी चाहिए इसमें ये होना चाहिए कि वाटर रिटेंशन के बहुत इश्यूज़ हो जाते हैं यानी आप जितना भी पानी पिए आपकी बॉडी मेटाबोलिज्म इज़ वेरी स्लो उस चीज़ को एक्सट्रैक्ट नहीं करता जो करना चाहिए रहा अगर आप आयन की टैबलेट ले रहे हैं अगेन एक्सरसाइज पे आऊँगी ठीक है घर में कोई बात नहीं आप बाहर नहीं जा सकते नो वरीज घर में आप मैट ले लें मैट भी नहीं अफोर्डेबल होता है तो कारपेट ठीक है वरना तो अगर आप बिस्तर पे भी एक्सरसाइज़ करें तो इवन जो पेशेंट्स होते हैं जिनकी कमर फिजियोथेरेपी जिनके फ्रोजन शोल्डर्स होते हैं उन तक को फिजियोथेरेपी रिकमेंडेशन होती है कि आपने एक्सरसाइज करना है तो एनमिक पेशेंट्स के लिए क्यों नहीं ठीक है खून की कमी खून की कमी होती क्यों है और किस हद तक होती है अगर आपने उसको सही टाइम पर एड्रेस नहीं किया देखिए बच्चा जब बॉर्न होता है सेवन टू एट इयर्स तक आपको पता लग जाता है कि इसमें क्या खराबी हैं ठीक है ख़राबी का मतलब है ये लैक ऑफ न्यूट्रिएंट है अगर इसको सही तरह खाता नहीं टाइम पे टीथिंग नहीं हुई हुई है मेल न्यूट्रिशन का शिकार है ओवर वेट काफ़ी भी ठूस रही होती हैं जो बच्चे बिल्कुल मींस बम बने हुए होते हैं वुड से कि क्यों नहीं हो रहा ठीक तो वो भी एक हेज है तो आयन का इस्तेमाल एक्सरसाइज वाटर इंटेक और खुराक में से कोई भी डाइट जिंदगी है ये, इसको रूटीन बना एक्सरसाइज मीन्स तो. आप कोई भी एक्सरसाइज करें नहीं समझ आ रहा आप सीधा कारपेट पे लेट जाए exactly. दोनों हाथ हिप्स के नीचे रख लें अपने ठीक है hmm. दोनों पैर ऊपर करें और नीचे करें क्यों क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन बहुत तेज़ होती है पैरों में बनस्बत हाथों में ठीक है नंबर वन एक्सरसाइज ये होगी इससे आप लोअर एबडमिन भी कम कर सकते हैं पेट जब दबता है तो आपको कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज़ hmm. नहीं होते आ, दूसरी एक्सरसाइज सिंपल है लेटे रहें दोनों हाथ पूरे पीछे ले जाएं, जहां तक आपके लेट तक तो पीछे ले जाएं, जी बिल्कुल आप इस तरीके से करेंगे ठीक है अच्छा। तो इससे ये होता है कि आपको ये पता लग जाएगा कि आपकी स्ट्रेंथ वाइज कितना है हार्ट अच्छा शोल्डर्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम ठीक है आपकी बैकबोन बैकबोन अगर आपके शोल्डर्स मजबूत हैं अगर दोनों हाथ ऊपर ले जा रहे हैं तो आपको शोल्डर्स के इश्यूज होंगे नहीं जहां आपका हाथ थोड़ा सा इधर आया इट मींस आपके प्रॉब्लम स्टार्ट अच्छा। तो ये आप ख़ुद अपने घर में एक टेस्ट कर लें दोनों हाथ आपने इस तरीके से रखना है ठीक है ये आपने स्ट्रेच किया और अगर आपकी पूरी नेक इस तरफ जा रही है इट मीन्स कि आपको नेक के इशूज़ होंगे नहीं चाहे तो आप प्रेग्नेंट हो चाहे आप आ, 80 इयर्स के सीनियर सिटीजंस के साथ हैं चाहे आप बच्चों की बच्चों की भी एक्सरसाइज होती है जब स्कूल भेजते हैं तो पीटी क्यों करवाते हैं या देखे। स्काउट्स क्यों करवाते हैं कि भाई बच्चों को एक्टिव बच्चा करता क्या भागता ही तो है रनिंग बहुत बहुत प्यारे आप उपहित मशवरे हमें दे रहे हैं और हम लोग जो है ना फायदा उठा रहे हैं जी कदमनो जबरदा अक्सर जमूंगा خواتین ست چې د غېشو ی د انسان په ذهن کې دا سوالات ویني چې اکثر د خزو چې بیبي پیدا شي دا غو برچې د چاچا بیبي په ومه میاش کې د چا پاتم و میاش کې او ډیر زیات د تکلیف خبره دا وی چې د اتم میاشتي بیبي چې دا هغه اکثر سروایو نه کوي نو زه مخ په هم ذهن کې د کوېشن یو دا ټیم ډاکټر صاحب موږ سره په استودیو کې د ډیره خستا مفید مشوره متراقه نو دا زموږ د ټولو پروگرام د په کار د چې د نمګه مشوري چې دا ترلاس کو مې میرا جواب سي کوېشن هو يه کې هماري ذهن مې بي سوال ہوتے

अल्ट्रासाउंड एवरी थ्री मंथ्स होना चाहिए यू हैव टू नो सेवन मंथ्स एट मंथ्स नाइन मंथ्स वन वन आपने एवरी मंथ जाके आपका अल्ट्रासाउंड होना चाहिए ये आपका गायनोकोलॉजिस्ट की ड्यूटी है टू कॉल यू इन सेकेंड अगर फॉर एक्स वाई जेड रीजन आपको कॉल नहीं आती आप ख़ुद अपने कैलेंडर पर डेट आउट करो ना ब्लड प्रेशर एक ऐसी चीज़ है उस वक्त डॉक्टर ये देखता है कि uh, माँ को बचाना है या बच्चे को अक्सर ये होता है कि दोनों को बचाने की कोशिश होती है।, है बट अगर बहुत ज़्यादा आई वुड से मिसकंसेप्शन ये होता है कि बहुत लास्ट में ख़वान पहुँचती हैं अब फॉर इंस्टेंस अगर जैसे मैं एक सिंपल स्किन की कोई भी बात करती हूँ जब प्रॉब्लम अकर होती है पाँच दिन गुजर जाते हैं दस दिन गुजर जाती है। जब वो चीज़ वर्स्ट होती है तब मेरे पास लाया जाता है पेशेंट और बोला जाता है फौरन एक दिन में ड्रिप लगा के इसको ठीक कर नहीं होता exactly. ठीक है ये नहीं होता प्रिकॉशनरी मेजर्स आपने लेने हैं फ्री का पेशेंट है तो उस वक्त बहुत ज़्यादा इश्यू होते हैं फ्री क्लैम्जिया का मतलब होता है जैसे आपने जो एक्सप्लेन किया उसका मेडिकल टर्मिनोलॉजी है ब्लड hmm. प्रेशर शुगर बहुत हाई हाँ हो जाता है ब्लड प्रेशर जब हाई होता है तो ऑब्वियसली जब आप लेबर में होती हैं तो उस वक्त और मजीद हाई होता है तो उस वक्त डॉक्टर के हाथ में होता है कि वो कि चाहे फुल कोशिश कर रहा है कि बच्चे को और आपको बचाने की काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस ऐसी भी होती है कि इम्लिका यानी रॉड जो है कॉड जो है वो गले में फंसती है तो इसकी वजह से भी प्रिकॉशनरी मेजर्स होता है कि काफ़ी जो गायनाकोलॉजिस्ट होती हैं वो उस वक्त प्रिकॉशनरी मेजर्स ले रही होती हैं कि ठीक है मदर को स्टेबलाइज कर दिया ठीक है जैसे आपने ये कहा कि एपिड्यूरल यानी इंजेक्शन बैक में लगाया अगर लेबर पेन नहीं आ रहे हैं कि फॉरन इमरजेंसी है कि निकालना है ठीक है बट नाइन मंथ्स जैसे हिट करता है उस वक्त एक एक दिन का काउंटेबल होता है तो ऐसे नहीं होता कि लेबर पेन आ रहे हैं हस्बैंड आएंगे जब भी जाएंगे hmm. ah. नहीं आपने रश करना है हॉस्पिटल ठीक है अगर आपको लेबर पेन आएगा वाटर ब्रेक हो गई इट मीन्स इट्स डेड आप क्रॉस hmm. कर गई हैं ठीक है लेबर पेन आता है आपने मीन्स uh, मेजर करना है कितने वक्फे से हो रहा है कितने ब्रेक्स में आ रहा है हुँ, हुँ. कितने इंटरवल्स में आ रहा है हमेशा डॉक्टर या नर्सेस बाहर की यही पूछती हैं एक घंटे में कितनी दफ़ा आया हुँ, हुँ, और अक्सर खातन के लिए आ, आ, मुझे याद नहीं क्योंकि ऑफ कोर्स पैनिक खुद भी हुए हुए होते हैं घर वाले जब हस्बैंड्स लेके जाते हैं लैक ऑफ नॉलेज उनको इतना पता नहीं होता ठीक है और यहाँ पे ऐसा कंसेप्शन नहीं है कि जब खातन प्रेगनेंट हो तो आप फोर टू फाइव मंथ्स के अंदर एक क्लासेज होती हैं जो प्री प्री कहा जाता है जो हस्बैंड और जो भी घर वाले हैं उनको प्रिपेयर करवाया जाता है हस्बैंड हो मदर इन लॉ हो या मदर हो ये तीन लोगों को ये किया जाता है कि, कि मदर पैनिक में है मगर आप लोग अपने सेंसेस में हैं तो अगर मदर को कुछ होता है आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि किस वक्त इनको रश करना है हॉस्पिटल ओके ओके आई आई जस्ट नीड टू ऐड वन थिंग हम जब बाहर के मुल्कों में देखते हैं तो लेबर रूम में हस्बैंड इज अलाउड एंड मैं इस चीज़ को सपोर्ट करती हूँ आई थिंक कि जो फीमेल होती है आपकी वाइफ हो उसको सबसे ज़्यादा इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है तो आई रियली वांट टू आस्क साइकोलॉजिकली हाउ मच इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट योर हस्बैंड शुड बी बिसाइड यू मतलब वो आपके साथ हो ताकि इट हेल्प ना वाइल देखिए हम पाकिस्तान में ठीक है पे बाहर जी बाहर मुल्कों में होता ये है कि आपको एक परफॉर्मा दिया जाता है और उस वक्त ये होता है कि आप किसके साथ कंफर्टेबल हो काफ़ी खवतान हस्बैंड को चूज़ करती हैं काफ़ी खवतान अपनी मदर को चूज करती हैं ठीक है कि मदर हो क्योंकि उनको ऑलरेडी एक्सपीरियंस होता है और वो टफ होती हैं कि हम हैंडल करते हैं कुछ मर्द कोलेप्स हो जाते हैं उनको पैनिक अटैक होना शुरू हो जाता है कि ये क्या हो रहा है ठीक है सो जब राइट right अवे जब आप क्लासेस लेते हैं आपके यही इश्यूज यही होते हैं कि आपको मेंटली प्रिपेयर किया जाता yes. है कि आपने ब्रीदिंग बहुत ज़्यादा परफेक्ट है एक्सरसाइज इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि लेग्स की एक्सरसाइज mm -hmm. भी करें लेग्स mm अपार्ट -hmm. करके भी आपने स्ट्रेच करना mm -hmm. है mm -hmm. ताकि बच्चे की पोजीशन लास्ट टाइम पे वो बदलती है yeah. कभी कभार जब हेड नीचे होता है लैक ऑफ एक्सरसाइज लैक ऑफ एवरीथिंग फॉर एक्स वाइज देड रीज़न बच्चा डिसाइड है क्यों नहीं हम ऊपर की तरफ आ जाए <laughs> बच्चे exactly. तो उस वक्त बहुत, तो बहुत कॉम्प्लिकेशन कौंपर hmm. होता है क्योंकि उस वक्त वो राइट अवे कहते हैं कि भाई पैर आ रहा है ब्रीच hmm. तो हमने और भी एक्स वाइज hmm. में डिटेल में तो ऐसी टेलीविजन पर नहीं बता सकती तो इसलिए कहा जाता है कि लास्ट मोमेंट तक एक्सरसाइज <laughs> करो ताकि बच्चे की पोजीशन राइट उस पर हो क्योंकि लास्ट जो अल्ट्रासाउंड होता है जो आपका गायना वो आपका आ, देखता है कि किस पोजीशन पे बच्चा है ठीक है और कभी कभार ऐसा भी होता है कि आ, उस वक्त लास्ट मोमेंट में बच्चे को मसाज की ज़रूरत होती है और <laughs> कन्वर्सेशन हो रही होती है कि प्लीज़ मूव अप

टू जेनेटिक कोड्स मिलाएं तो जाइबा है हाइपर है ना अगर हम ये कहें कि लास्ट मोमेंट पे ब्रीच है या सी सेक्शन uh, हो रहा है ये मेक श्योर sure करें कि आपने अपने सेल्फ कंट्रोल को नहीं छोड़ना yes. आ, रश करें हॉस्पिटल पे यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ हैं या आ, आपकी मदर इन लॉ है हजबेंड्स yeah. um, हैं डिले ना करें hmm. कि hmm. जब आएंगे जब होगा hmm. अभी नहीं अभी टाइम नहीं है मैं सर्टेन मीटिंग में कोई बात नहीं मदर हैं मदर इन लॉ हैं फ़ौरन फ़ोन करें यू नीड टू रच एट दैट टाइम बिफोर गोइंग टू नताशा एक अक्सर हम सोसाइटी में नताशा uh, चीज़ सुनते रहते हैं mm -hmm. कि बड़ा चीज़ों को नॉर्मलाइज कर दिया mm -hmm. है कि तुम कोई पहली तो नहीं हो जो माँ बन रही हो यू नो आई थिंक इस तरह की चीज़ें yeah. माँ okay. को और ज़्यादा डिसपॉइंट करती mm -hmm. हैं uh, ठीक है वो पहली नहीं है जो yes, माँ, माँ बन रही है बट द थिंग इज़ दिस कि लेकिन इट्स नेचुरल प्रोसेस एंड इसके अपने कॉम्प्लिकेशन हैं तो हमें उसको बलोची में कहते हैं कि दिल बढ़ दी मीन्स उसको मोटिवेट करना चाहिए सो so, बिल्कुल सही कह रही हैं मतलब आवाज़ तक पे दबाया जाता है कि मैं यही सबके बच्चे पैदा हो रहे हैं तो कौन सा बड़ा काम कर रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल तो चिल्लाना भी नहीं है ये दर्द की कोई भी शिकायत भी नहीं करनी हाँ। और ये सारी चीज़ें गाने गा के डिलीवरी हाँ हाँ काफ़ी इवन मैं अपनी uh, जो भी छोटी मोटी um, हम लोग माइनर प्रोसीजर्स uh, कर रहे होते थे समटाइम्स क्लाइंट्स को बोलना पड़ता है लाइक अभी एक्सपीरियंस हाल ही में हुआ आई हैव टू टेल माई क्लाइंट प्लीज़ आप खामोश हो जाए oh. आप मुंह खोलेंगी प्रोसीजर मैं कर रही हूँ कुछ मुंह टेढ़ा हो जाएगा hmm. फिर भी नहीं 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 इट्स एंगजाइटी इश्यू मेंटल हेल्थ इश्यू ठीक सो यू नीड टू हीलर एट दैट टाइम खासकर प्रेग्नेंट वीमेन पे कोई भी आपका डॉक्टर हो और ऐसा अक्सर होता है कि एंड टाइम पे आपकी ही गायनोकोलॉजिस्ट की ड्यूटी नहीं होती आपको केस फॉरवर्डिंग हो जाता है कोई और आता है उसको टेक ओवर करता है इंटरेस्ट इतना नहीं होता भी है बट आपको वो बिलोंगिंग्स नहीं होती ना जो अटैचमेंट आपकी और आपकी गायनोकोलॉजिस्ट से आप पूरे नाइन mm मंथ -hmm. उनको देख दिखाती भी आ रही है आपकी वो अटैचमेंट विद इन फ्यू सेकंड्स क्या होता है जब खातून प्रेग्नेंट और पेन में वो सेफ यू देखते अच्छा शक्ल अच्छी ठीक है अच्छा ही कर लेगी नहीं। <laughs> नहीं। <laughs> सही है अगर वो कह रही ये, ये इसकी आवाज बड़ी सख्त किस्म की बहुत डांट रही है जरूरी होता है इमोशनल कंफर्ट लेवल आपका किस तरीके से और ऐसा भी होता है कि जो मर्द हजरात होते हैं वो फुल टेक ओवर कर लेते हैं

जी आ, बहुत खूबसूरत गुफ्तगु चल रही है और डॉक्टर मुबर हमारे साथ इस वक्त यहाँ मौजूद हैं और जिसपे हम बात करें कि वजन किस तरह बढ़ जाता है और इसको कैसे कंट्रोल किया जाए अच्छा हमला खुवा जब मतलब डिलीवरी के बाद भी अक्सर ऐसी प्रॉब्लम होती है कि उनका मतलब ड्यूरेशन जब प्रेगनेंसी होती तब तो आप बता रही है कि लाइक ये एक्सरसाइजेज़ हैं तो वो उससे मुस्तव हों और काफ़ी ख़वा हैं जिनको ये अवेयरनेस नहीं है और जिसकी वजह से वो बीमार भी हो जाती हैं और उनको पता भी नहीं होता और जिनका ब्लड प्रेशर भी लो हो जाता है किसी और, का हाई और ड्रिप्स भी लगती हैं जी बिल्कुल ड्रिप्स भी लगती है, तो भी लगती है और वीकनेस भी वो हो जाती है अलग लेकिन डिलीवरी के बाद डॉक्टर साहब बताइएगा कि तब हमें कैसे अपने आप को बेहतर सेहत रखनी है किस तरह अपने आप को मेनटेन रखना है और बच्चे को भी इस हवाले से हाँ ये बिल्कुल राइट right क्वेश्चन है अगर आपका नॉर्मल बेबी हुआ है ठीक है तो आप विद इन फोर्टी डेज़ एक्सरसाइज स्टार्ट कर लें इट्स बेटर फॉर यू अगर आपको एपिड्यूरल यानी इंजेक्शन बैक पे लगे हुए हैं और एक दो कॉम्प्लिकेशन हुई है कि थोड़ा सा वजन की वजह से यू you नो know, बच्चा हेल्दी भी होता है तो प्लीज़ फोर्टी डेज़ के अंदर आपने एक्सरसाइज शुरू कर लेनी है सेकेंड अगर आपका सी सेक्शन हुआ है तो ऐसे कोई चीज़ नहीं होता है एक्सरसाइज जब hmm. करती हैं खवाती हैं तो अक्सर जब आई यूज़ टू हैव अ जिम तो ये बोला जाता था मुझे कि टाकों में तकलीफ़ हो रही है hmm. टाके खुल ना जाए hmm. या फट ना जाए तो ये चीज़ ठीक है मुझे बिलीव नहीं होता था बट ऐसे कॉम्प्लिकेशन के कॉम्प्लिकेटेड केसेस आते थे कि एक्सरसाइज के ड्यूरिंग के लिटिल बिट जी थोड़ा सा डॉक्टर ने टाइट टाका लगा दिया ये भी मैंने सुना अब टाइट uh, टाका लगाने से इट मीन्स के दर समथिंग रॉन्ग यानी आपका केस ख़राब हो चुका है तो मेक श्योर sure करें कि आप रेगुलर मीन्स गो टू द डॉक्टर डॉक्टर चेंज करें मेक श्योर sure करें डिजोलविंग टाके hmm. आते हैं आजकल तो वो एक स्लिप निकलती हैं एंड यू आर डन सेकेंड चीज़ के बेस्ट है कि आप जितनी नॉलेज ख़ुद ले सकती हैं किताबें पढ़ें इंटरनेट ओपन है इंटरनेट पढ़ें नहीं समझ आ रही कुछ गांव में मिडवाइफ्स भी होती हैं जिसे हम दाई कहते हैं प्लीज़ उनका भी एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस होता है और सेकंड uh, कोई भी सहेली से यानी मशवरा करते रहें hmm. अमल नहीं करें सिर्फ मशवरा करें फीडबैक लें कि किसको क्या आ, घर वाले अच्छे एक्सपीरियंस है बट बाहर वालों से भी लेना चाहिए आ, कुछ दफ़ा ऐसे होता है कि मैगजीन्स में भी आ जाता है इवन कोई घर खातून कोई भी यू you नो know, जो हमारे नॉर्मल पाकिस्तानी मैगजीन या नाम नहीं में मैं न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल आती है आप अगर पाँचवीं जमात भी, भी हैं पढ़ना लिखना आता है तो सिर्फ और सिर्फ़ अखबार भी पढ़ें काफ़ी चीज़ें इंफॉर्मेशन टाइटल्स में भी होता है कि आपको किस तरीके से मिसगाइड ना किया जाए सेकेंड चीज़ ये कहा जाता है कि मेरा सी सेक्शन हुआ था पाँच साल पहले okay. मेरी जो बेली है अब फोर्टी फाइव की है मैं प्लान कर रही हूँ सेकेंड बेबी थ्री मंथ्स के अंदर फोर्टी फाइव की बेली आप तीस बेली तीस इंच पे नहीं ला सकते mm. इसको सिक्स मंथ अगर आप प्लान कर रही हैं टू हैव अ सेकेंड बेबी या तीसरा बेबी मेक श्योर sure करें कि आपका वजन कम हो ठीक है mm. आप कहीं भी किसी भी डॉक्टर के पास जाएँगे कार्डियोलॉजिस्ट के पास पास चले जाएँ डायबिटोलॉजिस्ट के पास चले जाएँ गायना कॉलेज okay, के पास चले जाए सब एक ही बोलेंगे आपने बच्चा कंसीव करना है वज़न कम करें अगर आपकी हाइट फाइव फोर है कोर्स आपका वज़न अकॉर्डिंग टू दैट होना चाहिए फिफ्टी फाइव टू सिक्सटी किलोग्राम्स नाउ अगर आप सत्तर किलो आपकी हाइट टॉल है फाइव 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 सेवन उसके मुताबिक आपका वज़न ये भी इंटरनेट पर आजकल है ठीक है तीसरी चीज़ मैगजीन अवेलेबल है फोर्थ चीज़ डॉक्टर्स के मैगज़ीन आते हैं इज़ अवेलेबल इन पाकिस्तान बुक स्टॉल पर आप चले जाएँ आपको अच्छी अच्छी चीज़ें उसमें मशवरे कैसे रखना चाहिए नशर व नमाक को जाकर टेस्ट करवाना चाहिए सिर्फ पढ़ें और अपने आप को एजुकेट एक चीज़ आर्ट करूँगी कि दूर दराज के इलाकों में hmm. आ, क्योंकि मेरा तल्ल बलूचिस्तान हम सब इंटीरियर इलाके hmm. हैं hmm. वहाँ पर मैंने देखा हेल्थ वर्कर्स भी होते हैं दे यूज़ टू गिव अड ऑफ़ इन्फॉर्मेशन अगर डॉक्टर अवेलेबल नहीं है तो हेल्थ वर्कर्स आर देयर लेकिन कभी कभी हम ये भी देखते हैं कि उनके मर्द हजरात जो हैं वो हेल्थ वर्कर्स को भगा देते हैं कि आप नहीं आए आप ना बताएं आप शायद हमारी मिसेज uh, को मिस गाइड हैं ऐसा है देखिए ये ये सवाल मैं आप लोग पूरे पाकिस्तान yeah. से करूँगी <laughs> <laughs> आप लोग अपने जैसे इन्होंने एक्सपीरियंस शेयर किया आप बताएं के पी के में क्या ah. बिल्कुल ये मैं हदील की बात से जो है ना एग्री करूंगी hmm. इसी तरह है क्योंकि ऐसे इलाके हैं जहाँ पे ना तो कोई करीबी डॉक्टर्स hmm. हैं ना कोई हॉस्पिटल इतने करीब है तो जो हेल्थ वर्कर हैं वो घरों में आते हैं तो उनको इसी तरीके से जैसे कह देते हैं कि भाई आप जो है ना मिस गाइड करिए हमारी बहू को मिस गाइड करिए हैं या हमारी वाइफ जो है ना उनको करिए तो तो, आप, तो इसका ये मतलब कि आपका जो हेल्थ वर्कर आता है उसको इतनी इनफ नॉलेज नहीं है देखिए आप कन्विंसिंग पावर है ठीक है आपको एक गवर्नमेंट ने एक अथॉरिटी दी है कि आप ब्रेन वॉश करें अगर आप जो फर्स्ट आई वुड से जो पिलर ऑफ द फैमिली है यानी हस्बैंड है या मदर इन लॉ है hmm. पहले गेट पे कौन आता है हस्बैंड hmm. right? आता है राइट जेठ आते हैं वट एवर अगर आप उनको कन्विंस uh, नहीं कर पाए तो आप अंदर कैसे जाएंगी hmm. सही है yes. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी आई वुड से पिच अच्छी होनी चाहिए नॉलेज hmm. अच्छी hmm. होनी चाहिए पहले पहले तो आप मर्द को एजुकेट करें yeah. ठीक है ये कोई डिजीज़ नहीं है कोई बीमारी नहीं है hmm. ये एक है एक खुशी है जो घर में आ रही है कि उसको आप हेल्दी वे पे लें सिंध में क्या होता है ये बताइए हाँ, और, और फिर पंजाब से भी, से भी यही है। है। वही आपने पहले ही जवाब दे दिया कि बीमारी जब कंसीडर जो घराने करते हैं उसको और शर्म आती है कि बाहर इस चीज़ को बताया भी क्यों जाएगा हमारी फैमिली में कोई आने वाला है तो इस सिलसिले में पर वो नहीं आने देते हेल्प वर्कर्स को बाकी जैसे हर जगह ऐसा नहीं है ऑब्वियसली बहुत सारे ऐसे घराने भी हैं कि बिल्कुल वेलकम करते हैं वेट होते हैं उनसे खुद और अच्छा डॉक्टर साहब जहाँ आप कह रही थी ना कि वो ही उनका ब्रेन वॉश नहीं कर सकते या उनको समझा नहीं सकते लेकिन मर्द हजरात उसमें घरों में कुछ ऐसे भी होते हैं जो बात सिरे से सुनते ही नहीं है कैसे कन्विंस करें उनको उनको कैसे बताया जाए वो तो सिरे से बात ही नहीं सुन रहे होते वहाँ क्या किया जाए देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल जिस तरीके से हम अनफॉर्चुनेटली कहा जाता है कि शहर में बहुत कुछ एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं ठीक है हेल्थ वर्कर्स को या इवन पोलियो के कतरों पर भी काफ़ी बच्चे काफ़ी मदद बच्चे छुपा लेती हैं अगर मल्टी वाइटमेंस का भी शॉट दिया जाए तो पूरा इंटरव्यू होता है uh, मैंने इससे बहुत ज़्यादा शोज इन कर चुकी हूँ टेलीविजन पे भी और ऐसे देहातों में मुझे एक्सपीरियंस हुआ के जाने के लिए जो हेल्थ कैंप लगते हैं ठीक है अच्छा हेल्थ कैंप जब लगते हैं ज्यादातर मर्द हजरात पहुंचते हैं <laughs> पहले बताओ ये क्या होता है तो आपको लेक्चर <laughs> तो देना, देना, देना क्या हाँ, नहीं आप लेक्चर दो आप मर्द को कन्विंस uh, करो कि आप जो कह रहे हैं वो भी सही है बट मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू जो मैं कह रही हूँ वो वो ठीक है ठीक है ऐसा नहीं है कि कन्विंसिंग पावर सुनते ही नहीं आप उनको कन्विंसिंग पावर आप में होना चाहिए सेकेंड चीज़ जब पूरा इंटरव्यू ख़त्म होता है तब वो अपनी बेहमत को लेकर आते, हैं कि दे फील कॉन्फिडेंस बिकॉज ऑफकोर्स सुपीरियर तो वो ही है ठीक है इट्स कंसिडर्ड सेकेंड चीज़ वो ये समझते हैं कि अगर कोई ऑपरेशन या सी सेक्शन ये भी बोला जाता है छुरी नहीं जी जी हाँ बोला जाता है कैंची नहीं, नहीं फिर ठीक है अच्छा चले आपने कुछ नहीं फिर आप खुद करो हेल्प नहीं मुझे तो नहीं आता तो फिर कौन करेगा कौन सही करेगा? सही है अगर आप एक एक फैमिली फैमिली कहीं भी टिकती है मिडवाइफ को पूरे गाँव को पता होता है कि आपकी मिडवाइफ कौन है सही है अगर आपकी मिडवाइफ बहुत ही मतलब सीनियर है तो उसको ऑलरेडी एक्सपीरियंस होता है वो बोलते है कि तुम हार्ड जाओ मुझे पता है मुझे क्या करना है तो आपका क्या काम है मिडवाइफ को साथ लो उसको फ्रंट पे रखो <laughs> आप पीछे से हो और बोला जाए कि भाई आप इनकी बात क्योंकि अगर आप मिड वाइफ के खिलाफ जाएंगे क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस मिड वाइफ पे ज्यादा होता जादा है और काफी जैसे कहा कि भगा देते हैं तो ये मिडवाइफ भी बोलते हैं कि नहीं नहीं कुछ कुछ भी खिला देंगे Hmm. तो कुछ भी पिला देंगे ऐसे नहीं करना मुझसे पूछे बगैर सो व्हाट यू हैव टू डू जैसे मेयर होता है हर सिटी का hmm. हर सोबे yeah. का आपने पहले वाइफ को पकड़ा <laughs> और, प्रेंगी और प्रेंगी फिर आपने डायरेक्ट नहीं।, नहीं अप्रोच करना आपको उसको फ्रंट पे रख रहे हैं और आप पीछे से करेंगे ये भी सही है मैं भी हाँ। मेरा आपसे सवाल है कि है कि अक्सर जो प्रेग्नेंट वो नाइन मंथ तक कुछ भी नहीं खाती उनको होती हाँ। है उनको वो नाश्ता भी नहीं कर सकती दोपहर का खाना भी तो उनको ऐसा क्या लेना चाहिए डेफिनेटली बेबी की सेहत पे भी देखना है और मदर की सेहत अच्छी होगी तो बेबी स्ट्रांग होगा तो उनको क्या खाना देखिए ऐसा तो नहीं होता कि बिल्कुल भी कुछ नहीं खाए हाँ ये बिल्कुल मेरे नॉलेज में है और आई कमा क्रॉस टू द पेशेंट्स कि वो लगातार वॉमिटिंग कर रही है। <laughs> <थे> है <खवाती, laughs> <अकाया> होती है खात काया होती है अच्छा इसमें कॉन्ट्रोडिक्शन होती है कि फेनलसीड यानी सौंफ के सौंफ दिया जाता है फेनल सीड कुछ लोग कहते हैं कि थेरेपी बहुत हाजिडस होती हैं कुछ ऑयल्स होते हैं कि नहीं देना चाहिए इसमें ये होता है कि तुलसी तुलसी के पत्ते बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं देखिये साइकोलॉजिकली है ना कोई ऐसा तो नहीं ऐसे वॉमिट तो नहीं आ रही है अच्छी अच्छी खुशबू रख दें कोई भी शख्स फूल सूंघ के वॉमिट तो नहीं कर सकता خوش بہت پیارا جواب دی او اپکا یہ انسر جو ہے نا اس وقت میں پشتو میں دوں گی کیونکہ فیمیلز یہ پروگرام دیکھ رہی ہوں گی جې کدرمنو دا ټیم ډاکټر صاحب چې دا غږم سره په سټوډیو کې دا او اغا دا وای چې کسوخ خواتین پریگنانټ وینو اغا دا سونف چې دا اغا وړلې شي نو اغونه د دوی چې کومه د ناروغي دا اغا کم شي یا داسې خوشبوۍ د زن سره یو دې چې کا سټائم ناشته نشي کولې یا ګرمۍ سنې خوړلې یا اغوي دا چې دا فیل کوي چې آیا غوي ته متلی ورځي یا سنې شي خوړای هرشي نکرک کوي نو اغوي د چې دا سونف استعمال چې دا هغه ضروري کوي ډېره ښه ستاده دا مه اول ځل واورېدل نو ان شاء الله چې سوو پریګنانټ دي هغه دې د سوف استعمال وکي ان شاء الله دا وې بیبي صحه به ښه وي تھوړې سی سوف تھوړې سی خانی مگر زیاده نکې چې و انټوکسیټ کړي ٹھیک اے و سائیکولوژیکلی انټوکسیټ بالکل لک شانه دا استعمال یې خداسي یو چټکی ټایپ چې دا هغه په پخله کېږي نو هغه نه د هغه متلی شکایت چې هغه به ان شاء الله نه وي اچھا ایک اور چیز هم اکثر دیکھتے ہیں کہ پریک प्रेगनेंसी हो गई उसके बाद जो पो, पोस्ट प्रेगनेंसी डिप्रेशन होती है hmm. उसके बारे में आई रियली वांट टू टॉक अबाउट दिस थिंग कि फैमिली का सपोर्ट कितना इंपॉर्टेंट hmm. होता है उस वक्त क्योंकि Uh, एक फैमिली में एक और बेबी ऐड हो जाता है आपकी नींद डिस्टर्ब हो रही होती है रात को uh, बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो आई आई रियली वांट टू नो कि आप ये बताएं कि हाउ टू हैंडल पोस्ट प्रेगनेंसी डिप्रेशन एंड फैमिली का सपोर्ट कितना इम्पोर्टेंट है ओके okay, uh, जैसे मैं शुरू में कह चुकी हूँ कि जब कोई भी फैमिली में एक खातून प्रेगनेट है इट मीन्स आपको काउंसलिंग की ज़रूरत है पूरे ख़ानदान को पूरे खानदान खानदानस yeah. देखें या तो आप ये कर सकती हैं कि अगर आप इंटरवल्स पर डॉक्टर के पास जा रही हैं तो काउंसलिंग ज़रूर लें और ज़ाहिर बात है आप हस्बैंड के साथ तो जा रही हैं वो बैठ के सुन रहे हैं मदर इन लॉ को भी ले जाएँ ठीक है या मदर को भी इन देन एम्फोसाइज के देखें डॉक्टर ने डॉक्टर के मुताबिक ये हुआ है डॉक्टर के मुताबिक ये आपने कंसिडर करना मल्टी वाइटमिन्स प्लीज ना छोड़ें पोस्ट पार्टम डिप्रेशन बहुत आ, बहुत मुश्किल होता है टू लेट इट गो वो सिक्स मंथ से वन ईयर तक होता है पोस्ट नेटिल डिप्रेशन इज़ डिफरेंट पोस्ट पार्टम डिप्रेशन इज़ डिफरेंट ना जब पोस्ट नेटल कहा जाता है तो उसमें अगेन खातून बहुत अपसेट होती है क्योंकि अब रातों को जागना hmm. उसकी ड्यूटी hmm. लग गई खाना पकाना उसकी ड्यूटी है ठीक है होनी भी चाहिए बट बट इतना सर पर ना सवार करें ठीक है मल्टी वाइटामिन इसीलिए कहा जाता है कि ब्रेन को फंक्शन करने में वो बेटर करती है ठीक है सेकेंड चीज़ एक्सरसाइज प्रोमोट वाइटामिन डी वाइटामिन डी वाइटामिन डी थी जब प्रोमोट होती है तो आपका दिमाग बहुत तेज चलता है हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहा होता है उस वक्त वो आपका कंट्रोल हो जाता है आपकी स्किन बिल्कुल ड्राई एक्नी आ जाती है कुछ लोगों को या तो कुछ लोगों को ऐसा होता है जब एक्नी होती थी तो वो ख़त्म हो जाती है बिल्कुल ग्लो करता है तो वो भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है ना जब अगर हम कहते हैं कि घर में सब लोगों को बैठ के सुनना चाहिए अच्छी बातें अच्छा hmm. कहना ज़िक्र नमाज़ कुरान नथिंग बेटर दैन दैट क्योंकि अगर आप इवन भी अगर कहें कि हम अपने दिमाग का hmm. कर रहे हैं तो वो क्या चीज़ हुआ गंदी ख्याल को ब्लॉक करो अच्छी ख्याल को प्रसीव करो यानी अपने ऊपर अच्छी बुक्स लें hmm. मैगजीन का बिल्कुल खुश रखें, रखें। hmm. आ, मूड स्विंग्स बहुत होते हैं hmm. एकदम हाँ। से थोड़ा सा मूड आज तो मेरा चाह रहा है मतलब ब्रेन आपका जो है वो बहुत काम करता है बिल्कुल अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो आपके अंदर वो चीज डेवलप होना अच्छा हो जी बहुत जी। प्यारी बातें डॉक्टर साहबा कर रही हैं और इस वक्त हमारे पास एक पश्तो सॉन्ग जो है वो रेडी है अच्छा ये जो सिंगर है इनके बारे में पहले मैं बताऊंगी ये हमारी है नगमा और इनके बारे में ये एक एजाज की बात है कि इन्होंने बहुत से ममालिक दौरे किए हैं और अमेरिका ने स्पेशली इनको डायमंड का ताज पहनाया है और इनकी खूबसूरती आप देखें और इनकी अदाएं देखें इनकी हाइट देखें तो अभी आप लोग भी कहेंगे कि वाकई ये इस काबिल थी जी ग्री د منو راځو د نغمه په هغه کې د ښاسته سندره ووري جی खूबसूरत गानों बुध हाँ वरी टॉपिक की तरफ वापस था हाल डॉक्टर साहब अब मेरा आपसे ये सवाल होगा कि नॉर्मल वेट लूज करने पे आते हैं ठीक है तो उसमें ये बताएं कि एक होता है कि फैट लो फैट जो है वो लॉस होता है ना फैट हाँ, लॉस हाँ, करना फैट होता, होता है जो उसके लिए कहते हैं मसल्स जरूर बिल्ड करने चाहिए पहले तो इस के लिए थोड़ा सा बताएगा कि मसल्स करेंगे तो फैट होगा या फिर साथ में ही सिर्फ किसी भी तरह कर सकते हैं प्रोटीन अच्छा इसको मैं थोड़ा सा एलेबरेट करती हूँ क्योंकि आपने दो एक सवाल में दो सवाल छेड़ दिए मसल बिल्डिंग मसल बिल्डिंग उस वक्त होती है जब आपका फैट लॉस हो ठीक है एक होता है कि आप पहले ही बहुत ज्यादा मोटे हैं उसमें आप मसल क्या बिल्डअप कर रहे हैं ठीक है फर्स्ट ऑफ ऑल आपने वजन गिराना है गिराने के बाद साथ साथ आप बिल्डअप शुरू करें अच्छा। बिल्डिंग उसी वक्त होती है जब आप वेट ट्रेनिंग करें ऐसा नहीं हो सकता अगर आप योगा कर रहे हैं, रनिंग करें रनिंग करने से आपके लेग मसल स्ट्रांग होंगे अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपके हाथ अगर आप वेट ट्रेनिंग करें हाथ अफेक्ट होगा शोल्डर्स अफेक्ट होंगे आपकी गर्दन बहुत पतली हो जाएगी पेट उस वक्त हमने ना स्ट्रिक्टली जब पेट लगाते हैं आप कभी भी देखें अगर आप जिम में जाएं बहुत बड़े बड़े मसकिलो लड़के खड़े हो पेट निकला हुआ है क्यों ही? नहीं ठीक है मसल्स पेट के बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और उनको बनाना मीन्स ये बीस पच्चीस रेपिटेशन क्रंचज से नहीं होगा ये आपको पाँच सौ छः सौ हज़ार दो हज़ार पाँच हज़ार ठीक है लगता सुनने में ओम माय गॉड कौन करेगा इसको तो तीन घंटे लगते नहीं Uh, आपने ग्रेजुअली करना है थ्री टू फोर मंथ्स में आप फाइव हंड्रेड टू वन थाउजेंड एप्स लगाएं तो आपके सौ दो सौ तीन सौ के बाद बर्न होना शुरू, शुरू होता है होता। और आपका फैट उस वक्त लिफ्ट अप होगा इन थ्री मंथ्स टाइम कुछ लोग ऐसे करते हैं पहले वजन गिरा देते हैं फिर आते हैं जो लटकी हुई चीज़ें होती हैं अब उठाओ वो बहुत मुश्किल काम होता है अब आजकल कल जदीद टेक्नोलॉजी है मशीनस अवेलेबल है फ़ैट फ्रीजिंग है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेज से होता है आई वुड से के मसल स्टेम्यूलेशन ट्रीटमेंट्स होती हैं वज़न लूज़ करने के हर्बल प्रोडक्ट्स आते हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा बहुत ज़्यादा वाइड hmm. है पैसे इतने हैं नहीं वजन लूज़ करना hmm. और फिट hmm. दिखना सबसे अच्छी चीज़ ये है कि पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें पेट को साफ रखें कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही घर में एक ही स्टेपर ले लें जो आपका आई वुड से कि जहाँ पे हेल्थ के चीज़ें मिलती हैं इक्विपमेंट्स मिलती हैं स्टेपर नुमा चीज़ होती है उस पर रख के सिर्फ़ जंप्स करें ठीक है जम्प्स करने से होता ये जो हम बचपन में करते थे यानी जो हम लोग जम्प्स करके आगे वन टू थ्री फोर एक ब्लॉक्स होते थे उस पर दो पैर फिर सिंगल फिर दो पैर दैट इज़ अ जंपिंग टेक्निक कुछ लोग स्किपिंग करते, करते, करते हैं ठीक है स्किपिंग ऐसा ना हो कि अगर आपके दो किलो या सौ किलो वज़न है उस पर आपने स्किप किया आपका पैर ख़त्म ठीक है आपके लेगमेंट्स रपच्चर अगर आपका वज़न 60 किलोस है इट्स गुड आप स्किप कर सकते no. हैं ज़्यादा हो तो नहीं कर सकते। 60, 65 से क्योंकि सारा वज़न आपका नीज पे हुँ, और मेटाटोसल पे यानी फुट पे होता है काफ़ी काफ़ी जो हेल्दी खातन होते हैं आप गौर से उनके पैर देखें तो पैर में थोड़ा सा स्लाइट ऐसे कर्व होते हैं hmm. यानी एड़ी से बाहर आ रहा होता है पैर थोड़ा सा स्लाइट hmm. ट्विस्ट हुआ हुआ होता है तो उसका क्या मतलब है वजन आपका बहुत ज़्यादा है हड्डियाँ इतना प्रेशर नहीं बर्दाश्त कर रही तो, अच्छा, तो ये जो आप करिए ना वॉक हम लोग क्या मतलब रन जो रनिंग कर रहे होते हैं जो जॉगिंग कर रहे होते हैं तो उससे कहते हैं मजबूत होती है बहुत ज़्यादा तो अब जैसे हम लोग खातन पार्क वगैरह में जाती हूँ तो वहाँ जॉगिंग कर रही हूँ तो बड़ा मायूब समझ रहे होते हैं कि ये यह यहाँ क्या जॉगिंग कर रही है तो ये फिर हम खीन को से घर में ही इसको स्टार्ट करना पड़ेगा तो ज्यादा बेस्ट देखिए अगर आ, वेट्स नहीं परचेज कर सकते आ, ये बोतल सामने पड़ी है बड़ी वाली बोतल ले लें उसमें पानी भर लें भर के आपने ये किया ठीक है ये पूरा आपने शोल्डर पूरा ऊपर लगा दिया अब आपने बैक मसल्स को कम करना है जो हम कहते हैं कि फुल कर्वचर बैक में आना है आपने ये बोतल पकड़ा थोड़ी सी झुकी और आपने ये साइड ऑब्लिक्स uh, की, की कर ली अच्छा साइड ऑब्लिक्स जो हमारा हमारा लव हैंडल है जिसे कहते हैं कि एक टॉपअप है डोनट ठीक है उसको हम कैसे करते हैं बहुत आसान सी चीज़ें दोनों लेग्स अपार्ट करके सिर्फ आपने साइड पे अपने पैर को छूना है या फ्लोर को छूना है सिर्फ इस दार दूसरी चीज़ है आपने वॉल का सहारा ले लिया वॉल को पकड़ा लेग को सिंपल जहां तक आप रेस कर सकते हैं ठीक है दोनों हाथ सेंटर पर रखा राइट लेग आपने राइट हैंड को किया लेफ्ट लेग आपने सिर्फ रेस करना है अच्छा, के, से करके। करके। देखें, है। ये आपका हो गया आपने रेस किया ठीक अच्छा, है सिंपल इज दैट तो आपने राइट अच्छा, लेफ्ट राइट और लेफ्ट ये आपकी एक वर्कआउट हो गया और ये बहुत अगर आपने 40 लगा दिए इट मींस आपने लोअर एपडमिन की एक्सरसाइज कर ली साइड पे आपने फोर्टी यानी सिर्फ फ्लाइंग किक्स आपका पैर इस पे आपका ठीक uh, है तो आपने साइड ऑब्लिक्स की एक्सरसाइज कर ली आपको जिम जाने की जरूरत नहीं है आपने कोई स्ट्रीनिस एक्सरसाइज करी नहीं ठीक अच्छा। अगर आपको टमी को कम करना लेटे फ्लैट ये एक वर्ल्ड में नंबर वन एक्सरसाइज ऑल द डॉक्टर्स रेकमेंड इवन जिनको बैके के उसके लिए भी हम रेकमेंड करते हैं कि कमर में बहुत दर्द उठ कर ही नहीं सकते सिंपल आपने लेटे फ्लोर के ऊपर दोनों पैर आपने थोड़ी सी टमी तक ले लिए यानी जैसे पैर मतलब हाँ राइट right? आपने करना ये है कि आपने हिप्स और एबडोमिन ऊपर उठाना है और पर नीचे रखा फिर आपने ऊपर उठाया फिर आपने नीचे, नीचे लिया इससे आपके हिप्स की एक्सरसाइज हो रही है लोअर अब मिड सेक्शन अपर एबडोमिन पेट को हमेशा तीन हिस्से में डिवाइड करते हैं लोअर मिड अपर ये आपने एक्सरसाइज कर ली एट अ टाइम आपने हिप्स की एक्सरसाइज कर ली थाई की एक्सरसाइज आपने करनी है सिंपल इज दैट दोनों हाथ हिप्स के नीचे रखें और पैर अंदर पेट की तरफ लेकर आए और बाहर की तरफ, की तरफ स्ट्रेट अच्छा। ठीक मतलब है बैक एक बिल्कुल अच्छा। बैक एक सिर्फ पैर की बात हो रही जी, है बैक एक बहुत ज्यादा सिविर यह कोबरा पोज कर ले उल्टे लेट जाए नहीं उठ रहा दोनों हाथ आपने ऊपर किया और सेंटर पे जाके लेग्स वापस अपर और लोअर दोनों को उठाएं ठीक है जैसे हम कहते हैं सामने ये क्या है नो लाइक सिंपल इज ये एक एक्सरसाइज है जो फुल आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को मजबूत करता अच्छा, है जो बहुत ज्यादा आपकी खूबसूरती का राज भी यही है माशा खूबसूरत हैं और इस कदर आपने <laughs> अपने, <laughs> अपने आप को फिट रखा हुआ है डॉक्टर साहब जो भी आपसे सवाल है वो ये है कि अक्सर खातन प्रेगनेंट होने के बाद उनके पेट पे जो है ना स्ट्रिचेस पड़ जाते हैं जो कि खातन फिर ना साड़ी पहन सकती हैं जो जो साड़ी पहनने की शौकीन है तो वो किस मन से क्या यूज करें कि उनका पेट बिल्कुल वैसे ही रहे देखिए खोपरे का तेल कोई भी नहीं बताएगा इस नंबर वन जिसको बाहर अफ्रीकन uh, yeah. का भी बोलते हैं छे बटर ठीक है हमारे यहाँ नारियल हर जगह है इज अवेलेबल एंड इज वेरी चीप ठीक है खोपरे का तेल आप फोर मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी से स्टार्ट कर दें ये तो मैंने लगाने देखा है सिर्फ आपने लगाया और छोड़ दिया कोई मसाज नहीं करना कुछ नहीं करना दिन में एक बार बिल्कुल तो तो करना, करना सिर्फ लगा के छोड़ना है यानी आपने ड्राई नहीं रखना है मैं आपको गारंटी कर रही हूँ फोर मंथ से अगर आप स्टार्ट करते हैं और आफ्टर द डिलीवरी आपको एक सिंगल स्ट्रेच मार्क नहीं पड़े ठीक है काफी खातन बहुत घबरा जाती हैं कि ये बच्चा होगा तो स्ट्रेच मार्क hmm. होगी इवन hmm. आपके कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जहां पे स्ट्रेच मार्क लैक्टेशन मदर्स को hmm. होता है प्रॉब्लम दूध hmm. पिलाने के बाद बहुत ज्यादा स्ट्रेच मार्क्स है सेम चीज सेम प्रेगनेंसी बिल्कुल आप में सेव लगाएं चार महीने की आप मतलब प्रेगनेंट है आप कोकोनट का ऑयल पेट पे मतलब भी लगाना और चेस्ट चेस्ट पे, पे नहीं। नहीं। एक 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 तो तो देखिए इसी तरीके से मैंने बोला कि कोई चीज लगाने की जरूरत नहीं है ठीक है खोपरे का तेल अवेलेबल है नहीं आपको समझ आ रहा कौन सा ब्रांड लो सिंपल दैट खुद खोपरा खरीद लो घानी ओद जो वो चक्की वाला हैं पिसवाएँ तेल वो ख़ुद घर में ले आएँ और आप जिसम के कोई भी हिस्से हिप्स पे भी स्ट्रेच मार्क्स पड़ते हैं पेट पे और चेस्ट पे पड़ता है आप सिर्फ एप्लीकेशन करें बट जब आप फोर मंथ्स के प्रेग्नेंट हो तब से आप शुरू करें टिल टू इयर्स

पे भी होता है उस वक्त हम एक सर्टन ट्रीटमेंट uh, है केमिकल पील और माइक्रो नीडलिंग बहुत अफेक्टिव होती है क्योंकि वो आपकी सरफेस को पंचर करता है जब पंचर करता है उस पे हम uh, एक सर्टन कॉकटेल्स आती हैं वो हम स्प्रेड करके और वो पंचर को ख़त्म करते हैं तो न्यू स्किन कहीं भी कट लगता है बर्न करता हुँ। हुँ। है तो कट भरता, भरता है एक है। या दो दिन में भर जाता है और वह आहिस्ता आहस्ता फेड होता है तो वो उस वक्त ट्रीटमेंट बेस्ट होती है प्रेग्नेंट okay, खुवान के लिए कि अगर आप आ, फर्स्ट बेबी के बाद फिर स्टिल प्रॉब्लम है डू कम एंड आई कुड डू अ ट्रीटमेंट आजकल लेज़र्स भी हैं ठीक है सी ओ टू फ्रैक्शनल लेज़र्स भी हैं स्कार ट्रीटमेंट्स भी हैं अगर इतना टाइम नहीं है और आपको बहुत ज्यादा चीज बॉडर करती है तो लेजर्स करवा लें जो हमारे पास हमारी क्लिनिक पे भी होता है बट ये चीज कोकोनट ऑयल मैं इसलिए रेकमेंड कर रही हूँ कि ये हर कोई कर सकता है घरों में ऐसा इजी है और, अ, और इतना महंगा है। हाँ, महंगा भी नहीं है इफेक्टिव भी है तो आप खुद शुरू कर लें अगेन कोकोनट ऑयल खुद निकलवाए खुद इस्तेमाल करें सर में खुश्की बहुत प्रेगनेंट खुत की होती है बहुत मैसेब है बालों का घिरना झड़ना भी बहुत ज्यादा होता है hmm. तो आपने करना ये है कि थ्री एवरी थ्री मंथ्स आपने अपना शैम्पू बदलें ठीक है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी अब एक ड्राई नाम नहीं लूँगी एक ऐसा शैम्पू निकला जिससे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हुई हैं जो पेशेंट्स आते हैं कि ड्राई तो कर देता है बट स्केली भी कर देता है hmm. यानी खपली hmm. जो स्किन निकल रही होती है hmm. हर जगह वो ड्रॉप हो होता है वाइट बहुत बुरा लगता है ऑयल चेंज करें जैतून का तेल सरसों Best. का तेल बेस्ट Best है ठीक है अच्छा। अगर आप कलौजी का तेल मिक्स करते हैं जैतून के तेल mm. के साथ गुड आप इस्तेमाल कर सकते हैं मेथी दाना का ऑयल परफेक्ट ah. है अगर वो आप मेथी दाना मेथी का आप ऑयल बना लें तीन चार ऑयल्स कोकोनट है ऑलिव ऑयल जैतून का तेल है और मेथी का तेल है सरसों का तेल है ठीक है चारों को आप मिक्स करके अपना कॉकटेल ख़ुद बना लें बना के वो आप सर में लगाए एक घंटे से ज़्यादा ना लगाएं उसको वॉश आउट करते हैं ओवर आप करते हैं तो ड्राइनेस पैदा होती है वो रिवर्स में चला जाता है वो फिर इट इट्स लाइक अ कंडक्टिव आई वुड से कि एलिमेंट होता है जितना बैक्टीरिया जो भी धूल मिट्टी है वो सरफेस जम जाती है 1 आवर के बाद आपने वॉश आउट किया अच्छा ये भी सुना है कोई लगवाते हैं सर पे ये सही है ये आपको गे? पता हमारे सुना <laughs> <सना> है बड़ा <laughs> पता चला सर से, से निकला ही नहीं धोने के बाद लगे लगे लगा ही हुआ अच्छा मैम एक क्वेश्चन क्वेश्चन है फेसबुक से हम क्वेश्चंस कुछ नोट करते हैं कि मैं एग्जैक्टली उन्हीं की वर्डिंग में बताऊंगी और जरूरत पड़ी तो फिर ट्रांसलेट कर लेंगे कि इमोशनल ईटिंग इज़ अ मेजर हार्डल इन एनी वेट लॉस प्लान सो हाउ टू ओवरकम एट द क्वेश्चन इज़ फ्रॉम सना इमोशनल ईटिंग के तीन पहलू हैं स्ट्रेस एंजाइटी और फिर डिप्रेशन ठीक है आप किस मोड पर है <laughs> बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती हैं काफी लोग नेल बाइट कर रहे होते हैं या टांग हिला रहे होते हैं ऐसे कंटिन्यूसली कुछ लोगों को आदत होती है पेन को क्लोज ओपन क्लोज ओपन कुछ लोगों को खुतिन को आदत होती है बालों से खेलना कुछ लोगों को ख़वान को ये मैंने देखा है ये भी करते हुए कि बाल को ऐसे झटका दिया ठीक है और ये किया। कुछ बाल नोशी भी हाँ। हैं वो बहुत सवियर है बहुत ज़्यादा सवियर है ना uh, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये कि अगर फ्रीक्वेंट आपको ईटिंग डिसऑर्डर्स होती हैं या अगर इमोशनल आपको कंट्रोल करना है बेस्ट चीज़ें देखें अगर हम जब भी डिप्रेशन आपका दिल चाहता है आइसक्रीम खाएँ Hmm. मीठा शुगर क्रेविंग होती hmm. है ठीक तो आपने सिंपल कोई भी फ्रूट ले लें या अगर आपने कोई एक्टिविटी रखनी है फर्स्ट ऑफ ऑल आप कोई एक्टिविटी ढूंढे जो आपको क्लिक करती है कुकिंग लॉट ऑफ पीपल लव कुकिंग आप कुकिंग कर सकते हैं बेकिंग कर सकते hmm. हैं ठीक है मशरूबात बना सकते हैं hmm. कोई होम केयर प्रोडक्ट बना सकते हैं ये भी एक अच्छी चीज़ मुझे जो सबसे अच्छी लगती है आई रियली लव इट कि आप कैंडल मेकिंग करें ठीक oh, है सही है <laughs> आप मोल्ड मिलते हैं कैंडल को मेल्ट करें उसमें डिफरेंट काइंड ऑफ अरोमा डाल अवेलेबल धागा जो हमारे घर में होता है ये सुतली जिसे हम कहते हैं ठीक है उसको ऑयल में डुबाएं गरम गरम okay. आप उसके डिफरेंट टाइप्स के कैंडल मेकिंग खुद कर सकते हैं आपको कोई कोर्स करने की जरूरत नहीं, नहीं है, है। एक माना जो चाइनीज आई वुड से कि फ्लावर मेकिंग का भी कोर्स है बट वो बहुत ज़्यादा मतलब महंगा कोर्स है सिंपल इस चीज़ के आप घर में कोई ऐसी चीज़ ढूंढ लें जो बहुत ज़्यादा टॉर्मेंटेड है टूटी फूटी उसको आपने फिक्स करें आर्ट बना लें ठीक है आपको नहीं समझ आ रहा आप पेंटिंग शुरू कर दें अच्छा व्हाट आई डू व्हेन आई एम हर इंसान थोड़ा बहुत डिप्रेशन में होता है वट आई डू कि मेरे जितनी भी ज्वेलरीज हैं जो टूट चुकी हैं आई स्टार्ट यू नो कि उनसे मैं कुछ अच्छा एक नई चीज़ क्रिएट करूँ हाँ जी सर अभी सुनाई दिया <laughs> तो वो ज्वेलरीज जो होती है आपकी जितनी भी टूटी हुई ज्वेलरीज होती हैं तो यू कैन लर्न के हाउ टू यू नो कि हम उनको दोबारा से किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं तो ये भी एक टोटका है और दूसरी चीज़ बहुत अच्छा मुझे ये एक और चीज़ याद आई कि आप ये कर सकते हैं कि घरों में गाड़ियां हैं धोना शुरू करें <laughs> आपके हजबेंड भाई लोग सब खुश हैं गाड़ी का टायर चला के निकल जाए। वो, वो एक यू नो लाइक हाँ घूमने फिरने भी हो सकता है बट अगर आपको कोई अपना माइंड को उस प्रॉब्लम से डिवर्जन में लेके जाना है तो आप ऐसी एक्टिविटी ढूंढें जो आपके लिए चैलेंज हो जो चीज़ चैलेंज होती है उस वक्त आपको ज्यादा अट्रैक्ट करती है ये तो मैं कर ही नहीं सकती अब अगर किसी को बोले कि खा, खातून का टायर पंचर हुआ तो वो रोड पे खड़ी रहेगी आप खुद क्यों नहीं सीखती ठीक है बोनट खोले पानी डाल लें धुआ निकल रहा है तो पानी डालने में आना चाहिए पेट्रोल पंप खुद पेट्रोल डलवाना है उतरे डालें ये तो हुई शहरी गुफ्तु गांव में क्या कर सकते हैं कोई ऐसी एक्टिविटी ढूंढे कोई चीज़ नया पौधा होगा एलोवेरा हर जगह अवेलेबल है हमें सिर्फ ये पता होता है कि एलोवेरा को लगाते हैं, हैं हैं खाते है, और सर में लगाते एलोवेरा के भी बनते हैं ठीक है भी बनती हैं साबुन में इस्तेमाल किया जाता है ठीक है शैम्पू में एलोवेरा एक्सपेरिमेंट कर, करें देखें बायोलॉजी केमिस्ट्री बहुत टफ सब्जेक्ट है बट काश अगर हम सब ने पढ़ा होता तो हम बहुत साइंटिफिक नेचर होती हमारी दरिया देखे ना अगर हम घर में कुकिंग कर रहे हैं तो होते हैं, आज मैंने रेसिपी ट्राई करी हाँ। कुकिंग तो आप कर रही हैं बेकिंग करना सीखे हाँ। ग्रिल्ड करना सीखें कुकी बनाना केक बनाना सीखें नहीं केक तो बड़ा मुश्किल है मैं तो नहीं बना। बनाओ तो क्या होता है कि अच्छा आप केक बनाना है इंग्रेडिएंट क्या है हाँ। आपकी वो थिंकिंग एबिलिटी शिफ्ट हो गई है सही है अच्छा मुझे मेकअप करना नहीं आता मेकअप करना सीखे नहीं पता नहीं कैसे नहीं आता एक एक्टिविटी है ना क्यों नहीं आता मैं हर काम कर लेती हूँ मुझे मेकअप करना क्यों नहीं आता खोले और मेकअप करना शुरू हेयर स्टाइल नहीं आता क्यों नहीं आता फ्लैट आए न ब्लो ड्राई कोशिश तो करो या कौन करेगा करो अच्छा चलो ये एक चैलेंज चैलेंज ऑफ द डे ठीक है एक दफा नहीं तो दूसरी दफा दूसरी दफा नहीं तो तीसरी दफा अच्छा डॉक्टर साहब आपने बहुत अच्छी बातें बता रही हैं आप इस हवाले से एक बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जैसे हमारे पाकिस्तान के अंदर खबर को विटामिन डी की बहुत कमी है विटामिन सी की भी बहुत कमी है जिसकी वजह से हम बहुत बीमार रहते हैं अक्सर खातन की ये कंप्लेन होती है कि हमारी हड्डियों में बहुत दर्द होता है हम कैसे एक्सरसाइज करें हमसे उठा नहीं जाता हम कैसे वॉक तो इस हमारे से इख्तार से बताएगा क्योंकि हमारा प्रोग्राम का अब खत्म हो रहा है ओके okay, इंजेक्शन uh, भी मिलते हैं ठीक है 1000 के अगर आप uh, आपका विटामिन डी जरूर चेक करें ब्लड काउंट की कितना विटामिन डी है कुछ लोगों का तो सोलह होता है या पाँच पे होते हैं ठीक है और डिटोरिएशन हो रही होती है इंजेक्शन uh, भी लग सकते हैं हैवी डोसेज भी uh, होती हैं यानी फाइव थाउजेंड या टेन थाउजेंड या वन लाख कभी आपका इंजेक्शन लगता है ठीक है, है। वो एक सर्टेन पीरियड के लिए होता है प्लीज़ डू इट कोई साइड इफेक्ट नहीं होता आपकी रिक्वायरमेंट है आपको ये इनेबल कर रहा है कोई भी काम से किचन से नमाज से ऊपर चढ़ना बच्चों का ख्याल रखना आफ्टर प्रेगनेंसी आपकी वाइटामिन डी 50% खत्म हो अच्छा, जाती। आपका बच्चा लेता है तो है। आ, है, बच्चा छोटा छोटा सा सा सवाल जवाब पिलो मिलते हैं जो है आपने टांग के बीच में रखा सर्टन करवट कर एक पिलो आपके टांग के नीचे होना चाहिए दूसरा पिलो आपके साइड पर होना चाहिए थर्ड पिलो ताकि करवट के लिए प्रॉब्लम नहीं हो फोर्थ पिलो एक इस तरीके से मिलता है मोल्टीफम मौ, वालों के पास भी है जो आपके नेक को स्ट्रेट करें और अक्सर ख़वाी सीधा नहीं सो पाती हैं कॉर्स तो वो करवट पे ही पिलो के जरिए या एक बहुत बड़ा जैसे ये रग है बहुत बड़ा पिलो ले लें उसमें आप सिलवा लें क्योंकि इधर अवेलेबल नहीं है आप रुई नहीं आप उसमें फोम टाइप की भी चीज़ होती है और पॉलिथिन टाइप की चीज़ होती है वो आप खुद बनवा सकते हैं और वो उसके अंदर जो प्रेगनेंट खीन है, जिनको बैक का भी है, वो बिल्कुल अंदर भी बैठ सकती है दे, और और नहीं। 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 मुलाकात की डॉक्टर मुबशर आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम में आई इतने मुफीद मशवरे दिए कदरमन نو بل اطوار متا سره بیا ملاقات کیږي کی فرزان افریدی ترا کوي اجازه ته خدای پامان थैंक यू सो so वेरी मच गले चारो का शुमा प्रोग्राम चाह रहा और उम्मीद है कि मैं वेट करने को मैं फीडबैक से नहीं बचता और मैम थैंक यू सो वेरी मच लास्ट बस हमें चीज़ गुछी के हेल्थ इज़ वेल्थ मैं और चिका के ख्याल कुर्त करने पिकने और खुदा ही ना उससे ये चीज़ें नॉर्मलाइज में की जी दुनिया तो, तो, तो अवली नहीं क्या रजाक बी गए या दुनिया तो अवली नहीं क्या दर्द बी गए प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि प्रेगनेंसी एक नेचुरल प्रोसेस है और आई है जालबुल ख्याल का नक्श ना टॉप अप प्रायोरिटी भी भी जी नाशा

इलाही सुठो खाईंदो पीअंदो पर स्ट्रैसफुल रहंदो तॾहिं बि असांजो वेट घटि न थींदो त कंप्लीट लाइफ स्टाइल खे बहितर करिणो हूंदो आहे कंहिं बि कम जो इनिशिएटिव वठण जे लाइ जी जी हैं बहुत बहुत शुक्रिया नताशाह आपका और आज का प्रोग्राम जरा ख़िता मराहल की तरफ ही गया और डॉक्टर साहब आपकी तशरीफ आपने का बहुत बहुत, ना, बहुत ना, शुक्रिया so आपके साथ जितने भी प्रोग्राम्स हुए हैं वो माशाल्लाह बहुत यादगार आप हुए लोग सब बहुत अनबिलीवेबल uh, होस्ट है <laughs> और अपकमिंग वुड से बिल्कुल क्वेश्चन हाजिर होता है तो इन्जॉय भी करता है बहुत शुक्रिया जी नाजरीन ऐसी साज का प्रोग्राम एक छोटी जी गल कह फिर उस इजाजत चाहोंगी कि हसबो नस्ब न ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਾ ਦਵੋ ਕਿ ਹਸਬੁਨਸਬ ਇੱਕ ਵਕਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਹਿਮ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਾ ਹਾਮੀ ਲੇਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਯਾਦ ਰਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਹਸਬੁਨਸਬ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਗਏ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਮੀਨੀ ਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਟ੍ਰੈਕ ਫਿਰੋਸਤੋ ਬਾਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜਿਆਦਾ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ